Dear students, this is your new computer science book that is published in 2020. Chapter 2, Fundamentals of Operating System, All Exercises. Exercise 1 है MCQs, choose the right answer. Number 1 है, the software which performs all basic tasks. वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो तमाम बेसिक टास्क जितने भी बेसिक फंक्शन होता है वो परफॉर्म करता है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए है एंटीवायरस, या फिर ऑप्शन बी है स्टार्ट मेन्यू, ऑप्शन सी है ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर ऑप्शन डी है ऑफिस ऑटोमेशन। तो ऑब्वियसली इसमें आएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि जनरली तमाम फंक्शंस को और सारी बेसिक टास्क को कंट्रोल करता है। So, C is the right option. Number 2, a program that enables user to interact with computer is called, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर, हम मतलब कि हम कंप्यूटर यूज करते हैं, हम यूजर हैं, हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अपनी चीजों को कन्वे कर देते हैं, जो भी काम हमने करना होता है, तो वो मीडियम जो है उसको क्या बोलते हैं? वो है जैसे ऑप्शंस हैं, माई डॉक्यूमेंट है, या फिर स्टार्ट मेन्यू है, या फिर डेस्कटॉप है, या फिर इंटरफेस है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है, यानी इंटरफेस, यूजर इंटरफेस कहते हैं ना, आपने चैप्टर में भी पढ़ा है। तो यूजर इंटरफेस के थ्रू ही हम इंटरेक्ट कर पाते हैं कंप्यूटर से। नंबर 3 है द प्रोसेस ऑफ चेकिंग कंप्यूटर स्टार्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मेकिंग इट रेडी टू वर्क इज रेफर टू एज, यानी कंप्यूटर को स्टार्ट करना, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करना, हर चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, यानी टास्क को प्रोसेस करने के लिए रेडी होना, ये सब कुछ, इन सब चीज़ों को आप क्या बोलोगे? ऑप्शन ए है रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑप्शन बी है बूटिंग, ऑप्शन सी एरर चेकिंग, एंड ऑप्शन डी है फाइल मैनेजमेंट। सो नंबर 3 में जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी बूट सिस्टम। जो नॉर्मली आप जैसे कि बूट सिस्टम होता है अलग से, डिफरेंट उसकी शॉर्ट कीज़ हैं, जो जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्क्रीन पे वो अपीयर हो रही होती है नीचे बॉटम पे ना, कि ये प्रेस करें, ये बूट सिस्टम का। तो वहाँ पे जैसे वहीं पे हम विंडोज़ को अपडेट भी करते हैं, वहाँ से विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं, और कोई सेटिंग इस किस्म की जो मेन जो सेटिंग होती है ना फंक्शंस की कंप्यूटर की, उसको चेंज करना हो, सेटल करना हो, तो हम वहाँ पे जाके ना करते हैं। बूट सिस्टम ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर आप टेक्स्ट देख रहे होते हो वाइट में जो चल रहा होता है, तो बूटिंग इसकी ऑप्शन आएगी। नंबर 4 पे देखिए द नंबर ऑफ यूजर्स दैट कैन एक्सेस द रिसोर्सेज सिमल्टेनियसली ऑन अ मल्टी यूजर ओएस, यानी कि एक ही वक्त में, जब ज्यादा एक वक्त में ज्यादा रिसोर्सेज, ज्यादा नंबर ओएस को यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो यूजर्स एक होंगे या एडमिनिस्ट्रेटर हैं या क्या हैं। तो इस सेंटेंस के हिसाब से देखिए कि इस सेंटेंस के हिसाब से सूट क्या कर रहा है, इसे वन टू मैनी और ओनली एडमिनिस्ट्रेटर्स। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मैनी, because the number of many users can access the resources simultaneously on a multi-user OS. तो multi-user नाम से ही जाहिर है कि OS यानी operating system को बहुत सारे लोग एक ही वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसमें many users आएगा, ठीक है। Then number 5 देखिए, which management controls the dynamic allocation and deallocation of processor memory वगैरह। processor memory और दूसरी चीज़ें जो CPU के अंदर होती हैं, उन सब में एलोकेशन डी एलोकेशन को कंट्रोल करती है कोई चीज़, ठीक है। तो ये आपने स्टार्टिंग में, मैंने चैप्टर में पढ़ा है स्टार्टिंग के टॉपिक्स में। तो ये इसमें रिसोर्स आएगा या फाइल या फिर आईओ या फिर यूजर। तो नंबर 5 में ऑप्शन ए है रिसोर्स, यानी रिसोर्स मैनेजमेंट के थ्रू ये सब कुछ मैनेज होता है। नंबर 6 है इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड इन ग्रुप्स। जॉब्स का मतलब है काम यानी टास्क, ठीक है। यहाँ पे जो वो दूसरी वाली जॉब नहीं है, यानी एक कोई भी काम करना उसको भी एक जॉब कहते हैं, जॉब परफॉर्म करना बोलते हैं, ठीक है।
तो जॉब्स यानी बहुत सारे टास्क जो हैं वो ग्रुप्स की सूरत में एग्जीक्यूट किए जाते हैं, ग्रुपिंग में परफॉर्म किए जाते हैं, वो कौन सा सिस्टम है? ऑप्शन ए है बैच प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी है टाइम शेयरिंग, ऑप्शन सी है सिंगल यूजर, और ऑप्शन डी है रियल टाइम। तो इन सब में से आएगा ऑप्शन ए यानी बैच बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग आपने टॉपिक पढ़ा तो इसमें यही था कि इसमें ग्रुप्स बना दिए जाते हैं टास्क से, वहाँ पे टास्क परफॉर्म होती हैं और फिर एट अ टाइम इसको सीपीयू प्रोसेस कर देते हैं। नेक्स्ट नंबर 7 पे देखिए, द सिस्टम दैट गारंटीज दैट क्रिटिकल टास्क शुड बी कंप्लीटेड विदाउट शॉर्टेस्ट डिले। वो कौन सा सिस्टम है जिसमें क्रिटिकल टास्क यानी बहुत अहम कामों के लिए सिस्टम को यूज़ किया जाता है और इसमें बिल्कुल टाइम का डिले अलाउ नहीं होता, यानी टाइम थोड़ा सा आगे पीछे हो तो फिर वो ऑपरेशन ही फेल हो जाता है वो सिस्टम उस वक्त। तो वो ऐसा कौन सा सिस्टम है जो हमने चैप्टर में पढ़ा है? ऑप्शन ए है बैच प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी है हार्ड रियल टाइम, ऑप्शन सी है सॉफ्ट रियल टाइम, और ऑप्शन डी है टाइम शेयरिंग। तो नंबर 7 में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज द हार्ड रियल टाइम। हार्ड रियल टाइम में आपने यही पढ़ा था। सो नंबर 8 इज डॉस इज अ एग्जाम्पल ऑफ एन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। किस चीज़ की एग्जाम्पल है? रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर मल्टी यूजर ओ एस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को ही हम शॉर्टली ओ एस कह रहे लिख रहे हैं यहाँ पे बोल रहे हैं। सो इसमें नंबर 8 के अंदर राइट ऑप्शन है सी, यानी कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, वो डॉस की यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जाम्पल है। नंबर 9, द ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स दैट हेल्प्स ऑफिस वर्कर्स टू डू अ नंबर ऑफ रूटीन टास्क इजीली एंड एफिशिएंटली इज कॉल्ड। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम जो कि ऑफिस वर्क होता है ना, उसको कितना भी मर्जी हो, फाइलिंग हो, डिजाइनिंग हो, प्रेजेंटेशन बनानी है, डाटा एनरोलमेंट है, कोई और डाटा इंक्लूड करना है, कैलकुलेशंस हैं, कंप्यूटेशंस हैं वगैरह, तो ये इन सारी चीज़ों को इजीली और रूटीन के हिसाब से करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर या उसको उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है ईमेल, ऑप्शन सी है एंटीवायरस, और ऑप्शन डी है ऑफिस ऑटोमेशन। तो एज ये तो बहुत इजी है, नाम से ही जाहिर हो रहा है, शो हो रहा है कि नंबर 9 में जो ऑप्शन डी है वो इसका आंसर है, यानी ऑफिस ऑटोमेशन। देन नंबर 10 स्टेटमेंट है द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउज फ्रीक्वेंट स्विचिंग फ्रॉम वन टास्क टू अनदर। मतलब एक टास्क परफॉर्म हो जल्दी से, उसके बाद फिर वो दूसरे टास्क परफॉर्म करने की तरफ सिस्टम खुद ही स्विच कर जाए, फिर देन नेक्स्ट द नेक्स्ट। ठीक है, किस लिए नेक्स्ट नेक्स्ट? ताकि जो भी टास्क जो है वो पेंडिंग में है, जो लाइन में है, ठीक है, पाइपलाइन के अंदर है कि ये चीज़ें करनी है, इस वक्त होनी है, तो स्टेप बाय स्टेप उनको इन टाइम इंटरवल के साथ वो स्विच करता है नेक्स्ट पे, उसको प्रोसेस करने के लिए। तो उसको क्या कहते हैं? जैसे ऑप्शन ए है, हो सकता है सुन के आपके माइंड में भी आ गया होगा, हमने चैप्टर में पढ़ा। ऑप्शन ए है बैच प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी है रियल टाइम प्रोसेसिंग, फिर है सिंगल यूजर, और फिर है टाइम शेयरिंग। तो इसमें ऑप्शन डी आंसर है, यानी कि टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग सिस्टम में हमने डायग्राम के थ्रू, एक फिगर भी थी उसके थ्रू भी हमने ये समझा था, तो यूजर्स डी व्यक्ति था, फिर यूजर 1 से 2, फिर 3, इस तरह टाइम टू टाइम जो है ना, बारी बारी जो प्रोग्राम है वो स्विच करता है यूजर्स पे। तो ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप इनके आंसर स्टडी कर सकते हैं फिर से एमसीक्यूज के। नंबर 1 पे है ऑप्शन सी, नंबर 2 ऑप्शन डी, नंबर 3 ऑप्शन बी, नंबर 4 टेक ऑप्शन सी, नंबर 5 स्टेटमेंट पे है ऑप्शन ए, देन नंबर 6 पे है ए ऑप्शन, 7 पे बी ऑप्शन, 8 पे है सी ऑप्शन, 9 पे डी है, और 10 पे भी डी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज बी है रिस्पॉन्ड द फॉलोइंग, यानी क्वेश्चंस आंसर हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप इनको कंसीडर करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम,
ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन आपने बतानी है क्या होता है, बिल्कुल शॉर्टली बतानी है दो तीन लाइंस में, देन गिव थ्री एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की आपने कुछ मिसालें भी देनी है, नाम बता देने हैं, ठीक है। नंबर टू है लिस्ट द फंक्शंस ऑफ एन ओएस, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फंक्शन हैं उनके बारे में कुछ बताइए, कुछ आपने शॉर्टली बताना है, राइट ब्रीफली अबाउट एनी टू, कुछ फंक्शंस बता के उनमें से किसी दो पे आप शॉर्ट नोट लिख दो, किसी दो को आप डिस्क्राइब कर लो डिटेल में। नंबर थ्री क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन सी एल आई एंड जी यू आई, ठीक है, ये ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस और इसमें डिफरेंस आपने बताना है, राइट यानी टू बेनिफिट्स ऑफ ईच, दोनों के फायदे लिए बताने हैं आपने, इनको इस्तेमाल करने के दो दो फायदे सर, पहले आपने इनको डिफाइन करना है या फिर इसमें डिफरेंट डिफरेंस शो करना है दोनों में क्या है, इसके बाद आपने इसके फंक्शन यानी फायदे क्या होते हैं, वही फंक्शन यूजर को ये इस्तेमाल करने से क्या फायदा होता है, ठीक है, उस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट वो दो दो को ही आपने बता देना। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, विच रिसोर्सेज आर मैनेज्ड बाय रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ ओएस, ठीक है, रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन जो है वो क्या करता है, ठीक है, ये एमसीक्यूज में भी आया था, यहाँ पे इसका क्वेश्चन भी आ गया, सही, तो इसको आपने बताना है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर ओएस, ठीक है, तो सिंगल यूजर और मल्टी यूजर में फर्क क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये एमसीक्यूज में भी सब आया, सब इस तरह की चीजें शॉर्ट मेन इसमें की पॉइंट। इफ यू आर अ मैनेजर ऑफ अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन Which type of OS will you prefer? ठीक है, justify your answer with any two reasons. उसने बताया कि एक सिंगल यूजर और मल्टी यूजर OS में क्या फर्क है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या फर्क है। तो सपोज उसने एक सिचुएशन दी है कि अगर आप एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा ऑफिस है, कंपनी है कोई, ठीक है, और उसके आप मैनेजर हो, तो आप इन दोनों में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करोगे, ठीक है, सिंगल यूजर वाला या मल्टी यूजर वाला, और जो भी करोगे वो क्यों करोगे, उसकी रीजन बताओ, जस्टिफाई करो, ठीक है, ये क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। नंबर सिक्स है क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर क्यों इस्तेमाल होता है, और विद एग्जांपल एक्सप्लेन हाउ कैन ऑफिस ऑटोमेशन कैन एम्प्लॉय इज हेल्प टू बी प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट, फिर जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं उनकी किस तरह से ये सॉफ्टवेयर हेल्प कर सकता है, ठीक है, प्रोडक्टिव और प्रोडक्शन में, यानी प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिससे हम काम कर सकते हैं, अपनी रिक्वायर्ड टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो प्रोडक्टिविटी में एफिशिएंसी में किस तरह से हेल्प आउट करता है एम्प्लॉयज को। नंबर सेवन है लिस्ट द प्रोग्राम्स अवेलेबल इन एमएस ऑफिस And write why each program is used. MS यानी कि Microsoft Office में जो भी प्रोग्राम होते हैं, जो भी इसके अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, जो भी प्रोग्राम है अलग अलग, उनके नाम लिखिए और बताइए कि ये क्यों इस्तेमाल होते हैं, जैसे कोई भी स्पेसिफिक एक जैसे MS Word है तो वो क्यों यूज होता है, इस तरह आपने सबके बारे में बताना है। फिर नंबर एट क्वेश्चन है What is the major difference between soft real-time and hard real-time systems? इन दोनों को डिफाइन किया गया चैप्टर में, आपने पढ़ा भी है, तो इनमें आपने बस डिफरेंस बता देना है या इनको अलग अलग डिफाइन कर देना है हेडिंग के साथ। क्वेश्चन नंबर नाइन है Why it is important to install an antivirus? कंप्यूटर में या जो भी चीज़ हम लैपटॉप या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसमें उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमें एंटीवायरस को इंस्टॉल करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्यों उसको इंस्टॉल करना चाहिए। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर वन है डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, गिव थ्री एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हमने आंसर में पहले हमने हेडिंग दे दी ऊपर, आंसर कॉलन के साथ लिखा, इसको आप मार्कर के साथ हेडिंग्स लिखा कीजिए, साफ सुथरी अच्छी प्रेजेंटेशन देंगे टेस्ट में एग्जाम में तो वो अट्रैक्टिव होती है, और कोशिश किया करें कि एग्जाम टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करते हुए आप मिस्टेक नहीं करें। सो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, आपने हेडिंग दे दी, उसके बाद आपने उसको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज द सेट ऑफ प्रोग्राम्स
that controls and supervises the hardware of a computer and provides services to application software programs. ये आपने चैप्टर पढ़ते हुए पढ़ा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सारी चीजों को कंट्रोल करता है, हार्डवेयर डिवाइसेस उनके फंक्शन को भी, इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर अंदर सारे प्रोग्राम होते हैं ना सिस्टम के अंदर, उनको भी, सारे एप्स को कंट्रोल करता है, सारी एप्लीकेशंस को करता है. ठीक है, जनरली ये तमाम तर फंक्शंस को और टास्क को कंट्रोल करता है, परफॉर्म करता है. अ कंप्यूटर यूजर कैनॉट कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम बींग इंस्टॉल. जब तक के किसी भी कंप्यूटर वगैरह, जो भी कंप्यूटर है, सिस्टम है, उसके अंदर अगर OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है, तो हम ऑपरेट ही नहीं कर सकते, कोई काम ही नहीं कर सकते, मतलब उसके बगैर. कम्युनिकेट का मतलब यही होता है ना कि अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना. तो हमने बातें थोड़ी करनी होती है कंप्यूटर पे, यानी कि कंप्यूटर से बात करने से मुराद ये है कि अपनी चीज़, अपना जो टास्क है, अपनी कमांड है, अपनी इंस्ट्रक्शंस, जिस तरीके से हम कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं, हम उसमें इनपुट करते हैं और रिक्वायर्ड हमें जो भी होता है, हम जो काम भी लेते हैं कंप्यूटर से, तो इसको हम कम्युनिकेशन ही कहेंगे, हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ. तो ये OS के बगैर मुमकिन नहीं. OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा तभी ये पॉसिबल है कि हम काम कर सकें इसमें. इट मेक्स इट ईजी फॉर द यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर. यूजर इंटरफेस के थ्रू हम इंटरेक्ट करते हैं और ये इसको भी एक्टिवेट यही सिस्टम OS ही करता है. तो इसकी एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सिंपल ये एग्जाम्पल्स हैं. नीचे इनके तीनों के जो बॉटम पे देखिए आइकन भी हैं इनके. ठीक है, विंडोज वगैरह हम कंप्यूटर में यूज करते हैं. क्वेश्चन नंबर टू है, लिस्ट द फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ब्रीफली एक्सप्लेन एनी टू. आंसर है फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. पहले हम इसके फंक्शंस को बता रहे हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स द फॉलोइंग बेसिक फंक्शंस. ये वाले बेसिक फंक्शन उसके होते हैं, मतलब ये काम वो करता है. क्या क्या है बेसिक, जैसे कि बूटिंग है, फिर रिसोर्स मैनेजमेंट है, फिर है प्रोवाइडिंग यूजर इंटरफेस, और फिर मेमोरी है, मेमोरी मैनेजमेंट, देन इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट है, फिर उसकी फाइल मैनेजमेंट है, फिर प्रोसेस मैनेजमेंट है, यूजर मैनेजमेंट है. ठीक है, डिफरेंट चीज़ें. बूटिंग से हम सारी सेटिंग वगैरह को, चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, स्टार्ट होना सिस्टम, चेंज होना, कुछ अपडेट होना, OS को अपडेट करना या इंस्टॉल करना वगैरह. रिसोर्स मैनेजमेंट जो है, रिसोर्स मैनेजमेंट आपने MCQs में भी आया और आपने चैप्टर में भी पढ़ा. ठीक है, तो वो अपने हिसाब से सारी चीज़ों को मैनेज करता है. ठीक है, सारी CPU के अंदर डिफरेंट चीज़ें जो होती हैं. फिर यूज़र इंटरफेस, वो हम लोगों को जो है, जैसे हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं कंप्यूटर के साथ, अपनी कमांड्स को, अपनी इंस्ट्रक्शंस को कैसे उसको कन्वे करते हैं प्रोसेसिंग के लिए. ठीक है, और फिर ये प्रोसेस होता है, ये जो हमें प्रोवाइड करता है, ये हमारा काम होगा, जैसे यूज़र इंटरफेस. ठीक है, OS प्रोवाइड करती है हमें. देन इसकी मेमोरी मैनेजमेंट है कि डाटा वगैरह इसमें कितना स्टोर रहता है, टेम्प्ररी कौन सा होता है, परमानेंटली कहाँ पे होता है, कितनी गुंजाइश होती है इसकी, हर चीज़ को सेव रखना. फाइल्स नहीं हम सेव करते हैं, पिक्चर्स वगैरह इसमें होती हैं, बहुत डाटा उसमें, सेटअप फाइल्स होती हैं, काम की फाइल्स होती हैं. ठीक है, तो ये सारा कुछ स्टोर रखना, इसको मैनेज करना मेमोरी मैनेजमेंट में आ जाता है. फिर इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, सारी डिवाइसेस जो है हार्डवेयर के अंदर आ गई. सही है, तो हार्डवेयर के अंदर आ गई और सॉफ्टवेयर में भी हैं, कीबोर्ड, माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर, स्कैनर वगैरह, कॉपियर, और इसके अलावा कुछ USBs, जो भी डाटा केबल्स वगैरह, जो कुछ भी यूज़ होता है, बस इन चीज़ों को, पोर्ट्स को, इन सब को सेटल रखना, इनको मैनेज करना. ठीक है, ये हार्डवेयर मैनेजमेंट के अंदर आ गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में आ गया. फिर फाइल मैनेजमेंट है, कंप्यूटर के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर फाइल्स हैं, तो उनको, उनकी मैनेजमेंट कैसे होती है. फर्दर ये जब हम प्रोसेसिंग करते हैं तो हम इसकी हमें समझ में आती है. ठीक है, फिर प्रोसेस मैनेजमेंट है, प्रोसेसिंग, डाटा को प्रोसेसिंग करना, उसकी सारी डिटेल्स, उसके फंक्शंस, टास्क वगैरह. फिर यूज़र मैनेजमेंट भी है. तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो OS फॉर्म करता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मेन कुछ चीज़ों का यहाँ पे जिक्र किया गया है.
अब इन सारी टास्क से कोई भी दो, उसको हमने बताना था, क्वेश्चन में था कोई भी दो को आप एक्सप्लेन कर दें, दो यूजेस को। तो फर्स्ट है बूटिंग। बूटिंग क्या है? बूटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। देन इट फर्स्ट इन्वॉल्व्स चेकिंग द कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज बाय द हेल्प ऑफ फर्मवेयर प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन रोम एंड मेक श्योर दैट दे आर रेडी टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। आफ्टर परफॉर्मिंग प्री ऑपरेटिंग सिस्टम टेस्ट, द ऑपरेटिंग सिस्टम्स फाइल्स आर लोडेड फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम एंड यूजर इंटरफेस देन डिस्प्ले इन द फॉर्म ऑफ द डेस्कटॉप। यानी जो कुछ हमें डेस्कटॉप पे पर नज़र आ रहा होता है ना, ये सब कुछ पहले हो के सब कुछ मैनेज हो के इस तरीके से मैनेज हो के देन ये इस स्टेज पे आता है कि हम सब ये कुछ देख रहे होते हैं मैनेजमेंट के बाद मॉनिटर पे, यानी कि मॉनिटर के थ्रू डेस्कटॉप पे। सो बूटिंग की शॉर्टली डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर, बूटिंग क्या है। नेक्स्ट है रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस ऑल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इन ऑर्डर टू फुलफिल यूजर रिक्वायर्ड टास्क। ठीक है, हमें जो जरूरत होती है काम करने की, हमारी जो रिक्वायर्ड जो भी काम है टास्क है उनको पूरा करने के लिए सारी डिवाइसेस को मैनेज करते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें रिसोर्स मैनेजमेंट। तो सो दिस इंक्लूड्स एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ द प्रोसेसर मेमोरी एक्सेस टू शेयर्ड कैश मेमोरी एंड एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज। इन सारी चीज़ों को ये मैनेज करता है रिसोर्स मैनेजमेंट। देन है डिफरेंशिएट बिटवीन CLI एंड GUI, कमांड लाइन इंटरफेस, जिसको शॉर्टली कहते हैं CLI, स्टैंड फॉर कमांड लाइन इंटरफेस। अ कमांड लाइन इंटरफेस यानी CLI ऑपरेट्स यूजिंग टेक्स्ट बेस्ड कमांड्स फ्रॉम यूजर ऑन अ डेजिग्नेटेड प्रॉम्प्ट टू परफॉर्म टास्क ऑन कंप्यूटर। सो CLI इज डिफिकल्ट टू यूज बिकॉज द यूजर हैज टू रिमेंबर कमांड्स एंड देयर सिंटैक्सेस। ठीक है, CLI सिस्टम के थ्रू हमें दूसरी मशीन लैंग्वेज और सिंटैक्सेस वगैरह कोड्स वगैरह वो अप्लाई करके अपनी बात समझानी पड़ती है कंप्यूटर को। ठीक है, यानी ये कोई टेक्नीशियन ही कर सकता है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर या बहुत एक्सपर्ट हो जिसने ये लर्निंग की हो, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस उसको आती हो, कोड्स वगैरह आते हो, तो इस तरीके से वो अपनी कमांड्स या अपनी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देगा। तो ये आम यूज़र के लिए मुश्किल होता है इसको इस्तेमाल करना। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? जैसे कि एक इसमें दो दो एडवांटेजेस पूछे हुए हैं तो हमने दो यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिए हैं। तो फर्स्ट वन है द मेन एडवांटेज ऑफ अ कमांड लाइन इंटरफेस इज दैट इट प्रोवाइड्स अ सिंपल एक्यूरेट कीबोर्ड बेस्ड मेथड फॉर इंटरेक्टिंग विद ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। एक तो ये फायदा कि सिंपली और कुछ भी नहीं करना, जस्ट कीबोर्ड के थ्रू हमें जो भी करना है तो उस उसके लिए हमें डाटा प्रोवाइड करना होता है, ये सारी कोडिंग या सिंटैक्सिस वगैरह अपना टेक्स्ट हमें कीबोर्ड के थ्रू उसको प्रोवाइड करना होता है प्रोसेसिंग के लिए। और नंबर टू क्या है कि कमांड लाइन यानी CLI ऑपरेट्स फास्टर बिकॉज टेक्स्ट मोड टेक्स लेस कंप्यूटर रिसोर्सेज। ठीक है, जब हम टेक्स्ट के थ्रू काम करते हैं ना तो इसमें कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्सेज चीज़ें वगैरह सब कुछ है वो बहुत कम यूज़ होता है, यानी कि इसमें इतनी कम से मुराद ये कि जितनी ज़्यादा चीज़ें जितनी ज़्यादा डिवाइसेज एट अ टाइम इसमें यूज़ होगी तो उतना थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर हम टेक्स्ट हारी टेक्स्ट प्रोसेस के थ्रू यानी कीबोर्ड के थ्रू कुछ भी परफॉर्म टास्क कर रहे होते हैं ना तो उसमें फिर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये काम जल्दी होता है। नेक्स्ट है GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑफर्स विजुअल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द अवेलेबल कमांड्स एंड फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। जो भी कंप्यूटर के अंदर विंडोज होती है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है या फिर कोई सॉफ्टवेयर हो, वो हमें जिस तरह से भी नज़र आ रहा है ना सामने, जो उसकी लुक है, जो विजन है, जो हम देख सकते हैं, तो उसकी जितनी भी प्रेजेंटेशन है हमें नज़र आ रही होती है ना, इसको ये समझ लें ये है GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये सब कुछ जो हो रहा है जो करना है वो हम देखते हुए उसको खुद उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन से ही उसको अप्लाई करें। ठीक है, ऑपरेट करें। दीज विजुअल कमांड्स एंड फंक्शंस
आर द रिप्रेजेंटेशंस दैट आर द विजुअल रिप्रेजेंटेशंस कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स लाइक आइकन्स. इसमें जैसे क्या क्या होती हैं, मिसाल के तौर पर कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि आइकन है कंप्यूटर पर, डिफरेंट आइकन्स आपको नज़र आ रहे होते हैं तो उसको देख के हम समझ आते हैं कि ये क्या है. लाइक माई कंप्यूटर के ऊपर कंप्यूटर का सिंबल होता है या लैपटॉप पे दिस पीसी, तो उसको देख के हम समझ जाते हैं. अगर यहाँ पर डिलीट करने का ऑप्शन या दूसरी फाइल्स या कोई भी सॉफ्टवेयर है, अब गूगल है तो उसका भी एक शॉर्टकट के लिए आइकन हमें नज़र आ जाएगा अगर हमने डाउनलोड किया हुआ. तो ये सारे आइकन्स हैं जिनको देख के फौरी हम समझ जाते हैं क्या है. इसके बाद मेन्यू है. मेन्यू बार जब हम ओपन करते हैं तो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं वो लाइन वाइज हमें नज़र आ रहे होते हैं कि ये है ये है ये है, इसमें ये मेन्यू है. उसको हम क्लिक करने से कहीं भी हमने रिक्वायर्ड प्लेस पर जाना हो तो हम चले जाते हैं. फिर जब हम एप्लीकेशंस वगैरह ओपन करते हैं वहाँ पर डिफरेंट टैब्स होते हैं, यानी बटन समझ लें आप या टैब्स समझ लें. हर डिफरेंट टैब है उसको ओपन करने से मज़ीद बटन्स आपके सामने आते हैं, उनको आप प्रेस करते हो, ऑप्शन सेलेक्ट करते हो. फिर विंडोज़ आती हैं सिलेक्शन के लिए, उसमें डिफरेंट बटन्स होते हैं. तो ये मेनली जब हम ओपन करते हैं ऊपर से किसी भी टास्क या ऑप्शंस को अप्लाई करने के लिए तो वो टैब्स उनको बोलते हैं. फिर पॉइंटर्स, हम देखिए अपने पॉइंटर यानी कि कर्सर के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को हम इसे क्लिक करने से ओपन कर लेते हैं या ऑपरेट करते हैं, या ये करना है राइट क्लिक से ये है लेफ्ट से ये है, ठीक है. एंड विंडोज़ हमें नज़र आ रही होती है जब हम ओपन करते हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है. तो जो भी जैसे कि प्रीव्यू हमें दिखाई दे रहा होता है, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये GUI में आती हैं. ये हमें प्रेजेंटेशन दे रही होती है GUI की वजह से, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की वजह से पॉसिबल है. Which allow user to easily access available functions. तो इस तरीके से जब हम हमारे सामने सारी चीज़ें हैं लिखा हुआ है, आइकन से भी हमें पता चल रहा है, ठीक है. पॉइंटर के थ्रू हम बाय क्लिकिंग कहीं भी किसी भी चीज़ को ओपन करके किसी भी ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हैं. तो इस तरह से करना ये हमारे लिए बहुत ईजी है यूज़र्स के लिए. यूज़र्स के लिए इस चीज़ को करना यानी कि अप्लाई करना, इसकी एक्सेस लेना बहुत आसान होता है. टू सेलेक्ट फंक्शंस यूजर्स कैन ईजीली अप्रोच दीज फंक्शंस एंड कैन ईदर यूज अ कीबोर्ड और पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है. या तो हम कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं, अपने टाइप करते हैं टेक्स्ट और टेक्स्ट अंदर जाता है, ठीक है. इसके थ्रू हम अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम माउस जो हमारे पास होता है इसका जो कर्सर वो अंदर फंक्शन कर रहा होता है, तो ये होगी पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है. सच एज माउस और टच पैड भी होता है, ठीक है, उसके थ्रू भी. तो मतलब ये है कि या तो पॉइंट आउट करने के लिए कोई डिवाइस हमारे पास हो, या फिर टेक्स्ट प्रोवाइड करने के लिए कीबोर्ड हो. यूजुअली इन दोनों तरीकों से हम फंक्शंस को सिलेक्ट करते हैं और अपनी जो कमांड्स या इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए. तो ये मेथड हमारे लिए ज़्यादा आसान है, ये यूज़र फ्रेंडली है. एडवांटेजेस क्या हैं इसके, कुछ बहुत सारे हैं तो हमने दो ही बताने हैं एज पर क्वेश्चन. नंबर वन है, द मेन एडवांटेज ऑफ अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज दैट इट इज ईजीली एक्सेसिबल बाय बिगिनर्स विदाउट लर्निंग कॉम्प्लेक्स कमांड्स, ठीक है ना. हम जो नॉर्मली हम लोग हैं डोमेस्टिक यूजर्स हैं, ठीक है, इंडिविजुअल्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है कंप्यूटर का, हमारे लिए तो ये बहुत आसान है क्योंकि बच्चे भी हों तो वो भी देख के आज के टाइम में वो भी देख के समझ जाएंगे. अगर उन्होंने फर्स्ट टाइम ही कंप्यूटर परचेज किया तो स्लोली स्लोली कुछ दिन में वो सीख जाते हैं कि कौन सी चीज़ को किस तरह से चेंज करना, ऑपरेट करना है. क्योंकि बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है, वो खुद ही एक्सप्लोर करना चाहते हैं. तो कुछ चीज़ें उनको गाइड कर रही होती हैं, कुछ नज़र आ रहा होता है, बाकी वो पढ़ के खुद अंडरस्टैंड करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते करते ना बहुत कुछ सीख जाते हैं. तो इसमें सबसे बड़ी जो क्वालिटी है कि जो बिगनर्स स्टार्टअप हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो मुश्किल कमांड्स को नहीं जानते, कोड्स वगैरह को कंप्यूटर के, तो उनके लिए बहुत आसानी है, ठीक है. नंबर टू है GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आल्सो allows a user to open up multiple programs and displays these multitasking tasks and their progress simultaneously. कि एक ही वक्त में हम बहुत कुछ कर सकते हैं एक साथ, ठीक है. सपोज हम
कोई काम कर रहे हैं, हम टाइपिंग कर रहे हैं, साथ में हमने कोई जैसे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक ऑन किया हुआ, वो हम साथ में वो विंडोज भी उसकी चल रही होती है, उसको हम मिनिमाइज कर देंगे। इसके अलावा अगर हम कुछ सर्च कर रहे हैं साथ में, एक फाइल बनाना है लेकिन साथ में हमें सर्च करने की ज़रूरत है, तो हमने साथ में गूगल पेज भी ओपन कर लिया, वहाँ से हम सर्च करते जाते हैं, वहाँ पे हम टाइप कर ही जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर कोई डिज़ाइन करनी हो तो शायद उसको दो तीन एप्लीकेशन एट अ टाइम यूज़ करनी हो, ठीक है, तो वो दो तीन विंडोज़, तीन चार विंडोज़ अलग अलग ओपन करके, डिफरेंट प्रोग्राम भी ओपन करके इन सबको एट अ टाइम यूज़ कर सकता है। आप 6, 7, 8 जितने भी विंडोज़ ओपन करके आप सबको एट अ टाइम मैनेज कर सकते हो। साथ में शायद आप कुछ डाउनलोड भी कर रहे हो, तो एक जगह पे आपने एक विंडोज में कोई चीज़ डाउनलोडिंग में लगा के वो भी वो प्रोसेस में रखी हुई है, तो इसका ये भी एक बड़ा फायदा है कि हम एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ों को परफॉर्म कर लेते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4 है, विच रिसोर्सेज आर मैनेज्ड बाय रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ OS, यानी कि रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन। पहले हम तो ये बता लेंगे, ठीक है, रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, ठीक है, उसके फंक्शन के बारे में हमने बताना है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस ऑल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ये लाइन अब आपको याद होनी चाहिए, ये चैप्टर में भी आई, MCQs में आई, क्वेश्चन में आई, ठीक है, क्वेश्चन आंसर शॉर्ट हम पहले कर रहे थे उसमें भी आई और अब फिर रिपीट हो रही है। सही, इन ऑर्डर टू फुलफिल यूजर रिक्वायर्ड टास्क, ये पूरी लाइन, दिस रिसोर्स मैनेजमेंट इज परफॉर्म बाय ऑपरेटिंग सिस्टम इन टू स्टेप्स। दो स्टेप्स में ये काम होता है। कौन कौन से स्टेप्स हैं? स्टेप ए है फ्रंट एंड मैनेजमेंट ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज, और बी स्टेप है बैक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज, ठीक है, इसके ये दो स्टेप्स हैं। सो फ्रंट एंड मैनेजमेंट ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज, ये क्या है? फ्रंट एंड मैनेजमेंट हार्डवेयर रिसोर्सेज इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस सच एज माउस, कीबोर्ड, डिस्प्ले, मॉनिटर्स, स्कैनर्स एंड प्रिंटर्स। मेनली यही डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, अटैच्ड सीपीयू के साथ। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करना, यानी इन सारी डिवाइसेस को, हार्डवेयर वगैरह के डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज मैनेज करना, ये फ्रंट एंड वाला करता है, ठीक है। और जैसा कि नाम से जाहिर है कि फ्रंट एंड मैनेजमेंट है हार्डवेयर रिसोर्सेज, सही, इसमें सारी डिवाइसेस आ गई। इट ऑल्सो इन्वॉल्व मैनेजिंग नेटवर्क डिवाइसेस, ठीक है, इसके अलावा और भी डिवाइसेज, मतलब सब डिवाइसेज होती हैं मजीद यूज के लिए, जैसा कि नेटवर्क डिवाइसेस सच एज रूटर्स, मोडेम्स, नेटवर्क कनेक्शंस एंड मैनेजिंग स्टोरेज डिवाइसेस, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस। यानी पहले तो कौन सी डिवाइसेज, यानी जो हार्डवेयर रिसोर्सेज है ना फ्रंट एंड पे, वो किस किस को मैनेज कर रहा है? सारी की सारी डिवाइसेस, पहले मेन बताई गई हैं आपको, सारी मेन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सारी आ गई। उसके बाद मेन के बाद कुछ और भी होती हैं जो मजीद यूज़ के लिए, मतलब इसके बगैर भी काम चल जाता है, लेकिन जब यूज करना हो इन चीज़ों को तो ये डिवाइसेस भी साथ में प्लग इन होती हैं, कनेक्ट होती हैं, ठीक है। इसमें रूटर्स वगैरह, जैसे जब मॉडम, यानी कि जिसके थ्रू आप इंटरनेट चलाते हो, तो उसके लिए मॉडम्स मिलते हैं, या आपने केबल नेट लगवाया हुआ है, DSL लगवाया, क्या है वो USBs हैं, या कौन से कनेक्शन है, या मोबाइल डाटा से आप ले रहे हो, वाईफाई है, ठीक है, उसके लिए कोई डिवाइसेस, उनको कंट्रोल करना, उनको मैनेज करना, फिर मेमोरी के हिसाब से डाटा स्टोरेज को मैनेज करना, फिर इंटरनल हो या एक्सटर्नल, यानी ये डिवाइसेस बाहर की तरफ हों, डाटा केबल्स वगैरह, या फिर सिस्टम सीपीयू के अंदर हों, इन सारों को, इन सारे डिवाइसेस को फिर कंट्रोल करना, ये भी इसी में आता है, ठीक है। बी हो गया, बी ऑप्शन क्या है कि बैक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर मैनेजिंग हार्डवेयर, ठीक है। बैक एंड रिसोर्स क्या कहता है? बैक एंड रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वॉल्व्स मैनेजिंग द एलोकेशन ऑफ इंटरनल मेमोरी बिटवीन मल्टीपल एप्लीकेशंस, यानी मेमोरी के अंदर जाहिर है जो डाटा होता है, ठीक है, डाटा होता है, सारे डाटा को जो स्टोर हुआ जाता है उसको मुख्तलिफ एप्लीकेशन और उसके अंदर मेमोरी के अंदर सेटल करता है, यानी उसमें एलोकेट करता है, उसको मैनेज करता है। एंड OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम सेंड्स मैसेज
about the status of operating and any error that may have occurred to the interactive user. तो आपने अक्सर देखा होगा बॉटम पे ना छोटे छोटे विंडो या छोटे से नोटिफिकेशन आते हैं, तो अलर्ट्स या बाजू का थ्रेट्स या इस तरह लिखा होता है, बिल्कुल राइट, जहाँ पे वॉल्यूम के आइकन भी आ रहे होते हैं ना बॉटम पे राइट साइड पे कंप्यूटर के, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली कभी ये मैसेजेस भी शो होते हैं. तो आप इसको एक एग्जांपल, मैंने से एग्जांपल समझ सकते हो इसकी. सो क्या है कि हमारे यूजर्स की आसानी के लिए इट हेल्प्स इन परफॉर्मिंग बैच जॉब्स, फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग वगैरह. ठीक है, प्रिंटिंग एक टाइम के ऊपर हम 100 पेजेस की प्रिंटिंग को भी एक बटन से कर सकते हैं. हमारी फाइल्स रेडी हों, डाटा रेडी है, हमने सब कुछ कर लिया है, तो फिर हम एक बटन प्रेस करेंगे या इसकी कॉपीज निकालेंगे, एक पेज की बहुत सारी कॉपीज निकालनी है वो भी आ जाएंगी, या सारी 100 पेजेस हैं, 50 पेजेस हैं, इन सब की हमने प्रिंटिंग करनी है, प्रिंट आउट करना है, तो फिर हम वो सबकी सिलेक्शन कर लेंगे, हमारे हमने पेजेस लोड किए होंगे उतने प्रिंटर में, तो वो काम ही हमारा हो जाएगा, यानी परफॉर्म हो जाएगा. तो बैच जॉब जो होती हैं, यानी बैच परफॉर्मेंस टास्क की ग्रुप परफॉर्मेंस, ये भी इसमें भी ये हेल्प आउट करता है. ठीक है, बैक एंड यूटिलाइजेशन. तो आप अगर आप स्टेप्स को समझ लेते हो, कॉन्सेप्ट को किसी भी टॉपिक के, तो उसका ये भी फायदा होता है कि आपके माइंड में वो चीज़ें होती हैं, तो जब आप लिख रहे होते हो तो आपको पॉइंट याद आते हैं. पॉइंट याद आने से आप कोई भी लाइन मिस नहीं करोगे. ठीक है, आप कंप्लीट जितना आपने याद किया होता है उतना आप इजीली फौरन से आप पेपर पे लिख देते हो, यानी वहाँ पे आप अपनी परफॉर्मेंस, अपनी आउटपुट दे देते हो रिटन फॉर्म में इजीली. सो ट्राई किया करें कि आप पढ़ते हुए, कॉम्प्रिहेंड करते हुए, आप किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आप लर्न करें, लर्निंग करें. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, सिंगल और मल्टी यूजर में डिफरेंस आपने बताना है. इफ यू आर अ मैनेजर ऑफ अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, विच टाइप ऑफ ओएस विल यू प्रेफर, जस्टिफाई योर आंसर विद एनी टू रीजंस. सो आंसर है इसका, डिफरेंस बिटवीन सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. द मेन डिफरेंस बिटवीन सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज दैट In a single user operating system, only one user can access the computer system at a time. ठीक है, एक ही वक्त में सिर्फ एक यूजर उस ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल कर सकता है, उसके ऊपर परफॉर्म कर सकता है जो भी टास्क करनी हो. While in a multi-user operating system, multiple users can access the computer at a time. एक ही वक्त में एक ही जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो मल्टी यूजर्स के लिए होता है, उसमें मल्टी यूजर यानी बहुत सारे लोग उसको ऑपरेट कर सकते हैं. ठीक है, टाइम शेयरिंग इसकी एग्जांपल है. इन अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल द रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर आर अवेलेबल टू ओनली वन यूजर. सिंगल यूजर में सिर्फ एक यूजर के लिए होते हैं सारी रिसोर्सेज, जबकि मल्टी वाइल इन मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर रिसोर्सेज आर शेयर्ड बिटवीन मल्टीपल यूजर्स. तो मल्टी यूजर यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जितने भी रिसोर्सेज मैनेज होते हैं, ठीक है, उस विंडोज के अंदर, उस सिस्टम के अंदर, वो बहुत सारे लोग एट अ टाइम उसको यूज कर सकते हैं, इतनी कैपेसिटी उसकी होती है, ये उसमें ऑप्शन होती है. सही, तो डेफिनेटली अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, ऑफिस के लिए चाहिए, बैंक सिस्टम के लिए चाहिए, तो हमें बिजनेस पर्पज में लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या रिक्वायर्ड होगा, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. सो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट सूटेबल ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन. राइट, सो ऑपरेटिंग सिस्टम सूटेबल फॉर अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन. अब इसकी हमने आगे रीजन भी बतानी है कि क्यों. ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मल्टी यूजर ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों जरूरी है, क्यों अहम है. इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन मल्टी यूजर्स आर परफॉर्मिंग वेरियस डिफरेंट टास्क एट द सेम टाइम एंड ऑल द डेटा ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड एट अ प्लेस टू एनालाइज एंड इवेल्युएट. ठीक है, क्योंकि एक ही वक्त पे चीज़ें और डेटा और जो बेसिक इंफॉर्मेशन तो वही होती है, जैसे किसी कंपनी में, ऑफिस में,
देखो तो एक वक्त पे बहुत सारे इम्प्लॉयज होते हैं और वो सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, और काम सारा उसी कंपनी का होता है, लेकिन उनको डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने की जरूरत होती है। इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर टू यूज यूजिंग यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब एक ही यूजर का ऑपरेटिंग सिस्टम अगर वो इस्तेमाल करेगा तो फिर एक टाइम पे एक ही काम होगा, एक ही बारी होगी, ठीक है, फिर दूसरा वो उसको कर नहीं पाएगा जब तक एक नहीं कंप्लीट कर लेता, बिकॉज मल्टी यूजर वुड हैव डिफरेंट डिवाइसेज एंड ईच हैविंग इट्स ऑन टाइप ऑफ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसमें क्या होता है कि कंप्यूटर्स तो बहुत सारे रखे होते हैं, सपोज अगर 20 एम्प्लॉयज वर्किंग कर रहे हैं ऑफिस में, तो 20 सिस्टम वहाँ पर पड़े होंगे, डिवाइसेज सबकी अपनी अपनी है, ठीक है, इसको सिंगल यूजर की तरह ही वो यूज़ करेंगे, लेकिन वो एक टाइम पे सब ही उसको इस्तेमाल करते हुए अपने टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। देयरफॉर फॉर अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इट वुड बी मच चीपर एंड एफिशिएंट टू यूज अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम टू मर्ज ऑल द डेटा इंटीग्रेशन एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म। इसलिए हम इजीली ये कह सकते हैं कि किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी दफ्तर कंपनी वगैरह में जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको मैनेज करना ज़्यादा अच्छा है, चीपर भी है, क्योंकि हम इतने लोगों के लिए अलग अलग लेंगे तो वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, ठीक है, तो सिस्टम एक ही ले लिया, डिवाइसेस बहुत सारी होती है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी वाला लिया तो एट अ टाइम बहुत सारे लोग उसको उसके ऊपर काम कर सकें, उसका परफॉर्म कर सकें, तो चीपर भी रहता है एज कम्पेयर टू सिंगल यूजर ओएस। और फिर इसमें काम भी एफिशिएंसी से होता है, जैसे एफिशिएंट टू यूज अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम टू मर्ज ऑल द डाटा इंटीग्रेशन एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म। एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर सारे डाटा वगैरह को इंटीग्रेट करते हुए, टाइम को यूटिलाइज करते हुए सारी टास्क, सारी जॉब्स परफॉर्म हो जाती हैं। वेयर मल्टी यूजर्स कैन सिमल्टेनियसली एक्सेस, जहाँ पे ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे सारे बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूजर एक ही वक्त में एक्सेस कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, कैन गेट एक्सेस अपडेट एंड परफॉर्म देयर टास्क स्मूथली, बड़े आराम से अपना अपना काम कर सकते हैं एक ही वक्त में। मैनेजमेंट विल हैव मोर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड डाटा सिक्योरिटी बाय यूजिंग द मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, मैनेजमेंट को भी ज़्यादा आसानी रहती है क्योंकि मेन तो सिस्टम एक ही होता है, इसके थ्रू मॉनिटरिंग करना हर एक को अलग अलग, तो ये उसके लिए बहुत ईजी रहता है एज कम्पेयर टू सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर इसका मुवाजना, मुश्किल वो भी नहीं होता, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए दोनों में से, तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के बजाय अगर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो इसके थ्रू मॉनिटरिंग भी ज़्यादा आसान होगी, तो हर लिहाज से एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ही ज़्यादा मुफीद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर विद एग्जांपल, एक्सप्लेन हाउ कैन ऑफिस ऑटोमेशन कैन हेल्प एम्प्लॉयज टू बी प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट। आंसर, ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर eases organizational workloads by simplifying and automating processes like accounting, data management, training, facility management and various administrative tasks. यानी ऑफिस ऑटोमेशन के थ्रू इतनी सारी चीज़ों का काम, इतनी सारी टास्क परफॉर्म करने का काम बहुत आसानी से हो जाता है, जल्दी हो जाता है, जैसे अकाउंट्स का काम होता है, ठीक है, डाटा मैनेजमेंट वगैरह का काम है, ट्रेनिंग सेक्टर होते हैं, और भी बहुत सारे जैसे लिखे हुए यहाँ पर डिफरेंट हैं, फैसिलिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क वगैरह, इन सब को परफॉर्म करना आसान हो जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, देखिए, ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर हेल्प्स द एम्प्लॉयज़ टू बी मोर प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट बाय क्रिएटिंग अ बेटर वर्क मैनेजमेंट एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, अकाउंटिंग के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं डिफरेंट, वो इंस्टॉल करके उसके ऊपर वर्किंग करना, काम करना, बहुत सारी चीज़ों के डिटेल्स को स्टोर करना, मैनेज करना बहुत ईजी हो जाता है। नंबर टू पे है सॉफ्टवेयर लाइक क्विक बुक्स एंड पीच ट्री हेल्प द अकाउंटेंट्स
and cashiers to record and manage financial transactions easily. ठीक है, ये स्पेशली अकाउंटिंग के हवाले से सॉफ्टवेयर है, क्विक बुक और पीच ट्री. तो इनको बहुत आसानी रहती है क्योंकि जब काम होता है, वर्किंग होती है, तो पेमेंट्स के काफ़ी ज़्यादा मामलात और मैटर्स होते हैं, स्केड्यूल्स होते हैं इनके. ठीक है, ट्रांजैक्शन होती है, हिसाब किताब होता है, क्रेडिट में क्या है, बैलेंस में क्या है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, डिफरेंट स्कोप्स में, फेजेस में. तो इन सब का रिकॉर्ड मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है इन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू. इट कैन जेनरेट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्विकली टू हेल्प बूस्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ बिजनेस एंड रिड्यूस लेबर कॉस्ट टू एनहेंस प्रॉफिटेबिलिटी. इसका ये मतलब है कि इन सॉफ्टवेयर के थ्रू एनालिसिस करना बहुत आसान हो जाता है कि काम कितना हो रहा है, हमें फ़ायदा कितना हो रहा है, हमारी कॉस्ट कितनी लग रही है काम पे. ठीक है, फिर लेबर कॉस्ट से मुराद है कि हम सैलरीज वगैरह जो दे रहे हैं, जितने हम अपने मतलब वर्कर्स को दे रहे हैं, ठीक है, और जितना हमें काम से हमें गेन हो रहा है, तो इसके हिसाब में हमें प्रॉफिट कितना है, ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा. ठीक है, इसको एनालाइज करना बहुत आसान होता है इस इन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू. तो अकाउंटिंग में ये चीज़ें, ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं. आपको भी अगर चांस लगे तो आप ज़रूर ये देखिए, यहाँ कहीं पे इंस्टॉल्ड हुआ हो तो आप इसके थोड़े बहुत फंक्शंस देखें, ताकि आप देखेंगे तो देखने से आपको ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि हाँ, ये चीज़ें किस तरह से ईजीली कैसे होती हैं और किस तरह से मैनेज होती हैं. नेक्स्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ लेबर एंड क्लाइंट्स वॉज अ लेबर इंटेंसिव टास्क, बट ड्यू टू डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ओनली अ सिंगल कंप्यूटर ऑपरेटर नाउ कुड मैनेज द रिकॉर्ड ऑफ अ बिग इंटरप्राइज एट हिज फिंगर टिप्स. ठीक है, ये भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर है, ये डेटाबेस के लिए. इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा लेबर के हवाले से, काम के हवाले से, क्लाइंट्स के हवाले से इसमें स्टोर होते हैं, सो इजीली मैनेज होते हैं. ठीक है, और अब आप देखिए कि मैन्युअली किसी भी चीज़ का हिसाब करना, रखना, जैसे हर दिन में चेंजेस आते हैं, जब ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम हो रहा होता है, इंटरप्राइज का मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज में, तो उनकी डिफरेंट साइट्स होती हैं, ऑफिस वर्क होते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, फिर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के हिसाब से अलग अलग उनकी फाइल्स होती हैं, और ये सब अगर आप मैनुअली पेन के ऊपर लिखोगे तो टाइम भी बहुत लगता है, फिर डिफरेंट हिसाब किताब. एक काम के लिए अगर आपके 100 चल रहे हैं एट अ टाइम या 50 चल रहे हैं, तो 50 फाइलिंग आप हाथ से लिखते लिखते अलग करोगे, तो मैनुअली काम में एफर्ट भी ज़्यादा, फिर माइंड ज़्यादा थक जाता है, और एक्यूरेसी में भी कहीं आगे पीछे, मतलब ऑडिशन अगर हमने ऑडिट करना हो तो बहुत ज़्यादा दफ़ा हमें रिचेकिंग करनी पड़ेगी. ठीक है, बहुत ज़्यादा फाइलिंग करनी पड़ेगी. तो ये सब कंप्यूटर के अंदर बहुत आसान है, वहाँ पे सेफ भी रहता है सॉफ्टवेयर के अंदर, और बहुत इजीली मैनेज भी होता है. तो आप इन, जैसे ये ऑफिस के हवाले से, वर्किंग के हवाले से, बिजनेस के हवाले से आपको ये भी अवेयरनेस दी जा रही है कि ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, अकाउंट्स में हैं, डेटाबेस सिस्टम के अंदर हैं, ऑफिस वर्क में यूज़ होते हैं, तो आप उनको देखिए. और अगर नहीं भी स्कूल में मौजूद हैं, स्कूल में अकाउंट सेक्टर होगा, किसी दिन आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको लेक्चर दें, वो आपको दिखाते हुए, उसी सॉफ्टवेयर को दिखाते हुए बताएं. आपके रिकॉर्ड्स भी वहाँ पे मेंशन होते हैं, फी स्ट्रक्चर्स का सिस्टम मैनेज होता है, तो सिंपल टास्क के थ्रू आपको दिखा सकते हैं. अगर नहीं तो आप एक ये भी प्लान कर सकते हैं, एक आइडिया कि आप ये रिक्वेस्ट करें कि आपको विजिट पे लेके जाएं किसी ऑफिस साइट पे, ठीक है, जहाँ पे डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हों, वर्किंग कर रहे हों, ऐसे सॉफ्टवेयर हों बिजनेस के हवाले से, डेटाबेस मैनेजमेंट के हवाले से, अकाउंटिंग के हवाले से, तो वो आपको दिखाएं, ओपन करके विंडोज़ वगैरह दिखाएं, इस तरह से हमने यूँ होता है, ऐसे हम मैनेज करते हैं. तो इससे क्या होगा कि जो आपने पढ़ा है उसको आप देखोगे और उसकी इम्पॉर्टेंस को आप और मज़ीद समझोगे. कुछ क्लैरिफिकेशन हो चुकी, बाकी आप अब देखोगे तो आपको अंदाज़ा होगा और आपको इसकी इम्पॉर्टेंस का भी अंदाज़ा होगा, और आपको ख़ुद भी शौक पैदा होगा कि हाँ, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कितने फ़ायदे हैं, और आप अपने आने वाले वक्त में, अपने फ्यूचर के लिए आप अपने माइंड को और ज़्यादा ब्राइटर बनाओगे. तो आप आज के दौर से, आज के लोगों के स्टाइल से ज़्यादा बेहतर अंदाज में चीज़ें इस्तेमाल करो.
तो इस चीज़ को मस्ट करें, जिसको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है वो इस चीज़ को ज़रूर करके देखें कि अकाउंटिंग्स वाले सॉफ्टवेयर और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कहाँ पर हैं, उनको खुलवा के किसी से रिक्वेस्ट करके देखें कि आप थोड़ा सा हमें 5-10 मिनट दें और आप हमें बताइए कि आप किस तरह से ये करते हैं, और इसमें डिफरेंट जैसे टैब्स हैं, डिफरेंट विंडोज़ हैं, उनको देखिए, ठीक है। इसके अलावा शॉर्टली आप सर्च भी कर सकते हो गूगल पे, गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हो, लेकिन ये है कि गूगल पे सर्च करके अब ज़रूरी नहीं कि आप पूरी बात उसको समझ जाओ, जो आप सर्च कर रहे हो वही आपके सामने आ जाएगा, चीज़ें तो बहुत सारी आएंगी, ठीक है, और फिर बहुत प्रोलॉन्ग उसमें चीज़ें होंगी, कहीं पे कुछ होगा कहीं पे नहीं, तो जब आप खुद देखोगे ना आपके अंदर फीलिंग होगी वैसे ही ऑटोमेटिक कि हाँ ये तो यूज़ हो रहा है ना, इस्तेमाल हो रहा है, काम में है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में है, तो उस चीज़ को देखोगे तो हाँ इसमें तो ऐसे है, आपको फिर उसकी इम्पोर्टेंस का सही अंदाज़ा होगा। तो ये आप ज़रूर करके देखिए प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन, तो इस ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप बहुत कुछ ज़्यादा सीखोगे। एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ डेटा बेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आर MS Access एंड MS SQL, ठीक है। तो MS Access को आप खुद भी देख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास MS है तो। आजकल तो YouTube पे ट्यूटोरियल्स भी हैं, बहुत सारे लेक्चर्स हैं कि किस तरह से किसी चीज़ को ऑपरेट किया जाता है। अगर आप माइंड में बना लो कि आपने कुछ सीखना है तो उससे रिलेटेड आपको जैसे लेक्चर्स मिल जाएंगे, ट्यूटोरियल्स मीन्स के वो आपको साथ में दिखाते हुए बताते हैं कि ऐसे करना है, स्टेप बाय स्टेप इस तरह करना है। तो जिनको इंटरेस्ट होता है वो इस तरीके से भी सर्चिंग के थ्रू भी सीखते हैं बहुत कुछ, और उस मेन तभी इंसान सीखता है जब वो अपने हाथ से करता है, और बहुत जल्दी सीखता है वैसे, जब वो खुद करके देखता है ना तब वो सही से सीखता है। नंबर 3 है वर्ड प्रोसेसिंग एंड डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर लाइक MS वर्ड और ओपन ऑफिस, एन एम्प्लॉई कैन क्रिएट अ टेम्पलेट फॉर अ डॉक्यूमेंट एंड यूटिलाइज इट टू मेक अ यूनिफॉर्म कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो आप जैसे कि MS वर्ड में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ढेरों तरह की फाइल्स बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन में मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, फाइल्स को फिर एक ही टेम्पलेट में, लाइक कि अगर लेटर हेड होता है किसी भी कंपनी का, किसी भी स्कूल का, वो एक ही होता है ना, लोगो वगैरह एक ही होता है, उसके ऊपर सबसे नीचे कुछ लेटर हेड पे आता है जिसको हम हेडर और फुटर कहते हैं, वो भी एक ही होता है, एड्रेस वगैरह फ़ोन नंबर है, हमने यही मेंशन करना है, ठीक है। जैसे कंपनी प्रोफाइल होती है वो भी एक ही होती है कंपनी की, ठीक है, तो लोगोस वगैरह अगर हमने वाटरमार्क देना है वो भी एक ही है, तो इस चीज़ को इन टेम्पलेट्स को सेटल करके तो वो थाउजेंड्स फाइल के ऊपर भी इस सॉफ्टवेयर के थ्रू अप्लाई करवाया जा सकता है, और इट कैन इजीली एडिट एंड मैनिपुलेट डॉक्यूमेंट्स, आसानी से तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स को हम चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं, कंपोज कर सकते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग एड्स अनदर डायमेंशन टू टेक्स्ट मैनिपुलेशन बाई कंबाइनिंग दी फीचर्स ऑफ अ वर्ड प्रोसेसर विद एडवांस पेज डिजाइन एंड लेआउट फीचर्स। डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेजेस हैव इमर्ज्ड एज वैल्यूएबल टूल्स इन द क्रिएशन ऑफ न्यूज लेटर्स, ब्रॉशर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स दैट कंबाइन टेक्स्ट एंड फोटोग्राफ्स, चार्ट्स, ड्राइंग्स एंड अदर ग्राफिक इमेजेस, ठीक है। अब इसमें इतनी चीज़ें आपको बता दी हैं कि बहुत तरह के डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स आप बना सकते हो मज़े मज़े के, अच्छे से, यानी डिज़ाइन वाले पेज के डिज़ाइन, लेआउट फीचर्स, ठीक है, और डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेजेस, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे न्यूज़लेटर कैसे बनाना है, ब्रोशर्स, ब्रोशर्स है बहुत वैरायटी के होते हैं, हाई क्वालिटी के होते हैं, नॉर्मल डिज़ाइन के साथ भी होते हैं, बहुत हाई स्टैंडर्ड के भी होते हैं, तो एज़ पर रिक्वायर्ड आप इनकी डिज़ाइनिंग कर सकते हो, उसके लिए कैसा टेक्स्ट चाहिए, कैसा फॉन्ट, फॉर्मेटिंग कैसी होनी चाहिए, ठीक है। फिर और तरह के कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें इमेजेस के साथ, पिक्चर्स के साथ आपने टेक्स्ट को सेटल करना होता है, ठीक है, वो भी आप कंबाइन कर सकते हो MS वर्ड में, ठीक है। फिर इसमें आप इंसर्ट कर सकते हो पैराग्राफ्स, चार्ट्स, ड्राइंग्स वगैरह, और डिज़ाइनिंग के इमेजेस यानी ग्राफिक्स वगैरह, उसको इंक्लूड करते हुए भी आप फॉर्मेशन कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो टेक्स्ट की, डॉक्यूमेंट्स की, फाइल्स की। तो ये बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि वर्ड प्रोसेसिंग और डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है, लिस्ट द प्रोग्राम्स अवेलेबल इन एमएस ऑफिस एंड राइट व्हाई ईच प्रोग्राम इज यूज्ड। ठीक है, एमएस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन कौन से प्रोग्राम हैं, इसके क्या फीचर्स हैं, शॉर्टली आपने बताना है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, पैकेज है पूरा, विच कंटेन्स ऑफिस वेरियस एप्लीकेशन। इसमें ऑफिस वर्ड से रिलेटेड बहुत सारी एप्लीकेशन हैं, सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं इसके अंदर, हर एक जो है उसका डिफरेंट पर्पज है। ईच सूटेबल फॉर अ डिफरेंट पर्पज दीज आर। सो इसमें फर्स्ट वन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, ये जो ब्लू आपको नजर आ रहा है ये इमेज जो है, ग्राफिकल इमेज, इसमें ऊपर वाला जो है वो ब्लू है, W लिखा हुआ है। ठीक है, ये इसका आइकन है, सही है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इट इज़ यूज टू क्रिएट एंड एडिट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स लाइक राइटिंग अ लेटर, एप्लीकेशन और टाइपिंग योर नोट्स इन एम एस वर्ड। मतलब राइटिंग से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल बनानी है, टेक्स्ट को एडिट करना, कुछ भी है, ये सारा काम आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हो। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब इससे नीचे जो है ब्लू से नीचे ग्रीन कलर का आइकन, ठीक है, ये एक्सेल के लिए है और एक्स लिखा हुआ ऊपर। ठीक है, एक्सेल इज अ माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट प्रोग्राम। इसमें स्प्रेडशीट्स होती हैं, जो इसके पेजेस हैं ना इसको स्प्रेडशीट बोलते हैं। ठीक है, दैट कैन बी यूज टू ऑर्गेनाइज, फॉर्मेट एंड कैलकुलेट डाटा। ये क्या करता है, डाटा को मैनेज करता है सारा, डाटा की डिफरेंट टास्क, जैसे डाटा को सीक्वेंस में लिखना, ऑर्गेनाइज करना, उसको फॉर्मेट करना, उसको उसकी कैलकुलेशन करना, वैल्यूएट करना, एनालाइज करना, ये सब कुछ। वी कैन क्रिएट फार्मूलाज टू एग्रीगेट लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा। बाज़कात बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट होती है, बहुत ज़्यादा डाटा होता है, बड़ा इंट्रिकेट टाइप, मुश्किल टाइप, ठीक है, तो उसको सिंपली हम फार्मूलाज के थ्रू जो है ना वो मैनेज कर लेते हैं। फार्मूलाज भी अप्लाई होते हैं यहाँ पे, कंप्यूटेशन भी होती है स्प्रेडशीट में। तो मेक ग्राफ चार्ट्स एंड डेवलप टेबल्स, यहाँ पे टेबल्स भी ड्रा होते हैं और ग्राफ भी बनाए जाते हैं, चार्ट्स बनाए जाते हैं, बार, लाइन, पाई चार्ट, डिफरेंट। ठीक है, तो ये सब किस लिए होता है कि डेटा एनालिसिस, प्रोडक्टिविटी, लॉस, प्रॉफिट को, शेयरिंग को, किसी भी चीज़ को शो करना, एवरेज टेम्परेचर को, ठीक है, किसी भी आउटपुट को आपने डिस्प्ले करना, पिक्टोरियल इफेक्ट के थ्रू यानी कि ग्राफिंग, ग्राफ के थ्रू। ठीक है, और बहुत ज़्यादा जो डाटा है आपका उसको आपने मैनेज करना है, ईजिली मैनेज हो जाता है स्प्रेडशीट्स में। नेक्स्ट नंबर 3 के ऊपर है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये जो ऑरेंज कलर का आपको नजर आ रहा है, MHP लिखा हुआ ऊपर, ये है पावर पॉइंट का आइकन। पावर पॉइंट इज यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन विद द हेल्प ऑफ स्लाइड्स एंड एनिमेशन लाइक एडिंग साउंड एंड ग्राफिक्स। ठीक है, पावर पॉइंट पे क्या होता है, स्लाइड्स बनती है बेसिकली यही। ठीक है, वर्ड पे आप कोई भी पेजेस हैं, ब्लैंक पेजेस को, उसको आप किसी भी स्टाइल में फॉर्मेट करते हुए टेक्स्ट फाइल बना सकते हो, डॉक्यूमेंट बना सकते हो, उसमें इंसर्ट कर सकते हो चीज़ें, हर तरह की बहुत ऑप्शंस होती हैं। ठीक है, एक्सेल में आप स्प्रेडशीट्स मैनेज करोगे और पावर पॉइंट में क्या होगी, स्लाइड्स। स्लाइड्स में आप टाइटल्स यूज कर सकते हो, पिक्चर यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप टाइपिंग करते हुए टेक्स्ट इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, या कोई इमेज वगैरह वो लगा के, या फिर इसको एनिमेशन बना सकते हो, यानी बहुत सारी स्लाइड्स हैं उसके ऊपर हम इफेक्ट लगा देते हैं, एनिमेशन इफेक्ट्स होते हैं बहुत सारे, वो हम लगाएंगे तो जैसे एक वीडियो नहीं बन जाती, एनिमेशन टाइप वो बन जाएगी, क्योंकि जब हम उसको प्ले करते हैं तो वो पूरी एनिमेटेड वीडियो की सूरत में स्क्रीन पर प्ले होती है। स्लाइड्स भी ऐसे ही परफॉर्म होती हैं स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हम बनाते अलग से हैं लेकिन जब इनको प्ले किया जाता है तो ये एक वीडियो की सूरत में हमारे सामने चलती हैं, वर्किंग करती हैं। तो यहाँ पे ग्राफिक्स को भी हम ऐड कर सकते हैं, फिर स्लाइड्स में साउंड्स वगैरह उसको भी हम ऐड कर सकते हैं, कोई भी म्यूजिक ऐड कर सकते हैं या खुद रिकॉर्ड कर सकते हैं, बहुत फंक्शन है। जब आप करके देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितनी सारी चीज़ें हैं, किस तरीके से हम डिज़ाइनिंग करके अच्छी खासी प्रेजेंटेशन और एनिमेशन तैयार कर सकते हैं पावर पॉइंट में। नंबर 4 है माइक्रोसॉफ्ट नोट, वन नोट। ये क्या होता है, वन नोट अलाउज यू टू पुट डाउन योर थॉट्स बिफोर यू फॉरगेट देम। ठीक है,
then notes can be shared with others, much like a digital notebook. The application automatically saves and syncs notes. ठीक है, नोट्स वगैरह कभी फॉरन जैसे कुछ भी हमने याद रखने के लिए उसमें लिख दिया, कर दिया या हमने शेयर किया, तो उसको हम दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं इस सॉफ्ट एप्लीकेशन के थ्रू. और इसके अलावा ये उसमें सेव रहते हैं. समझ लें कि ये एक तरह की डिजिटल नोटबुक है. ठीक है, जैसे डिजिटल डायरी है आपकी, इसको इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वन नोट. नेक्स्ट है ये एन जो है पर्पल कलर में जो आइकन है इसी का है, वन नोट का. नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ओ के साथ जो ब्लू कलर का आइकन आपको पीछे लेटर है, मेल का आइकन है. ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक क्या है, इट इज़ एन ई मेल मैनेजमेंट एप्लीकेशन. ठीक है, मेलिंग एप्लीकेशन. एम एस आउटलुक इज कंसीडर्ड एज अ पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर. ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग योर कैलेंडर्स, टास्क मैनेजर्स, कॉन्टैक्ट्स, नोट्स, जर्नल्स एंड ब्राउजिंग सेशंस, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें मैनेज होती हैं, कोऑर्डिनेट होती हैं. ठीक है, हमारी पर्सनल, तो जब हम साइन इन कर लेते हैं इसको यूज़ कर रहे होते हैं. ठीक है, इसके अलावा इसमें सारी मैनेजमेंट किसकी होती है, ईमेल की, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में. नेक्स्ट देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस. ठीक है, एम एस एक्सेस इज माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसकी पहले अभी बात हो रही थी पहले क्वेश्चंस में. ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स डेवलपमेंट टूल्स टू क्रिएट फॉर्म्स, टेबल्स, क्वेरीज एंड रिपोर्ट्स ऑफ अ डेटाबेस. इसको आप इंस्टॉल्ड है आपके पास या जहाँ भी इंस्टॉल्ड हो एम एस में पैकेज में, पूरे ऑफिस ऑटोमेशन में, उसमें इसको देखिए. तो इसमें देखिए कि क्या क्या विंडोज है, क्या ऑप्शंस हैं, किस तरह से डाटा मैनेज होता है इसमें. नंबर सेवन, ये जो रेड कलर का इमेज है सबसे टॉप पे, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के लिए आइकन है. नेक्स्ट ग्रीन कलर का पी, ये है माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर. एम एस पब्लिशर्स आर डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम. इट इंक्लूड्स टेम्पलेट्स फॉर फ्रीक्वेंट बिजनेस नीड्स लाइक डिजाइनिंग बिजनेस कार्ड्स, कैलेंडर्स, ब्रोशर्स, पंफलेट्स एंड न्यूज लेटर्स. देखा ये कितने डिफरेंट सी ये नीड है इसको मैनेज करने के लिए, ये एप्लीकेशन काम करती है. ठीक है, इसमें हम बिजनेस को पब्लिश करने से यानी बिजनेस एडवर्टाइजमेंट के हवाले से बहुत सारी चीज़ें इसमें बना सकते हैं, टेम्पलेट्स, डिज़ाइंस वगैरह बना सकते हैं. जैसे कार्ड्स होते हैं, विजिटिंग कार्ड्स होते हैं, कैलेंडर्स होते हैं, ठीक है, लेटर वगैरह, ब्रोशर वगैरह, पंपलेट वगैरह, न्यूज लेटर, इस तरह की चीज़ें बहुत सारी. तो ये इस इन चीज़ों को डिज़ाइन करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, नेट पे, सिस्टम पे, गूगल पे. ठीक है, सॉफ्टवेयर बहुत सारे, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर भी हैं नॉर्मल, ये नॉर्मल यूज़ के लिए है. लेकिन जब हम इसकी ऑप्शंस को ऑपरेट करें तब हमें पता चलता है कि एक एप्लीकेशन के अंदर कितनी कितनी ऑप्शंस होती हैं जिसको यूटिलाइज करते हुए हम कितना सारा काम किस तरीके से कितना अच्छा कर सकते हैं. नेक्स्ट नंबर 8 पे देखिए शेयर पॉइंट. ठीक है, एम एस शेयर पॉइंट इज अ डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट एंड स्टोरेज सॉफ्टवेयर अलोइंग यूजर्स एंड ग्रुप्स टू सेट अप पासवर्ड प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट शेयरिंग अ सिक्योर ऑर्गेनाइज्ड लोकेशन. ठीक है, जैसे कि आप अपनी मर्जी से अपनी इंफॉर्मेशन या कोई चीज़ फाइलिंग वगैरह जिसको शेयर करना चाह रहे हो वो एक सिक्योर तरीके से सिर्फ उसी से शेयर होगी. तो ये शेयरिंग पॉइंट है, इसमें जब आप इसको यूज़ करके देखो देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक फीचर्स ऑफ दिस एप्लीकेशंस. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. सॉफ्ट में और हार्ड में क्या फ़र्क है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में. सो डिफरेंस बिटवीन हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. सो दोनों की हेडिंग आप में अलग अलग लिखती, तो डिफरेंस को आप इस तरीके से, डिफरेंसेस हों कंप्यूटर साइंसेज में आप इस तरीके से उनको प्रेजेंट करते हो. तो दूसरा भी तरीका होता है, अगर इस तरह आप नहीं भी कर सकते देन आप सिंपली आप हेडिंग लिखो और नीचे पैराग्राफ में बता दो ये इसमें है और फिर सेकेंडली वो उसमें है. लेकिन इट्स बेटर, दिस फॉर्मेट इज़ बेटर एंड रिकमेंडेड टू यू टू अप्लाई वेन एवर यू आर गोइंग टू टेल अबाउट एनी काइंड ऑफ डिफरेंस इन कंप्यूटर साइंसेस. ठीक है,
और बल्कि बायो में भी आप करते होंगे, जैसे कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस, अक्सर डिफरेंस आप इसी तरह से बताते हो, तो डिफरेंस बताने का फॉर्मेट ये अच्छा है। अच्छा, आप टेबल आपने ड्रॉ कर लिया, अब फर्स्ट पॉइंट है, पॉइंट्स के साथ नंबरिंग भी आप करें, जैसे नंबर वन। तो हार्ड ट्रेल में क्या है, हार्ड रिस्पॉन्स टाइम इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दी टास्क, यानी टाइम को फॉलो करना बिल्कुल यहाँ पे फिक्स है, बहुत ज़रूरी है। जबकि सॉफ्ट रिस्पॉन्स टाइम इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क, सॉफ्ट रियल में क्या है कि सॉफ्ट रिस्पॉन्स इतना ज़रूरी, आगे बहुत ज़्यादा उसको वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट, ज़रा भी आगे पीछे ना हो, ये सिस्टम सॉफ्ट में नहीं होता। जबकि हार्ड में हमें ज़रूरी है, लाजमी है कि उसको टाइम को बिल्कुल ऑपरेट टाइमली किया जाए, फॉलो किया जाए। नंबर टू पॉइंट है, साइज ऑफ द डाटा फाइल इज स्मॉलर और मीडियम, जबकि सॉफ्ट में क्या होता है कि सॉफ्ट रियल में साइज ऑफ द डाटा फाइल इज लार्ज, ठीक है, इसमें छोटा या कम है उसमें बड़ा होता है। फिर नंबर थ्री पे देखिए, पीक लोड परफॉर्मेंस इज प्रेडिकेबल, प्रेडिक्टेबल होती है इसमें पीक लोड परफॉर्मेंस, जबकि पीक लोड परफॉर्मेंस इज ट्री क्रेडिट इसमें सॉफ्ट में होती है। नंबर फोर पे देखिए, हार्ड रियल टाइम सिस्टम्स हैव लिटिल लेग्जिटी एंड जनरली प्रोवाइड फुल डेडलाइन कंप्लायंस, जबकि सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम्स आर मोर फ्लेक्सिबल, दे हैव ग्रेटर लेग्जिटी एंड कैन टॉलरेट सर्टेन अमाउंट्स ऑफ डिले, यानी थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट इनमें चल जाती है, जबकि हार्ड रियल सिस्टम में एडजस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं चलती, गुंजाइश नहीं होती। या तो आप टाइमली इसको परफॉर्म कर दो, ठीक है, इसको टाइमली ये अपने टाइम के ऊपर ये प्रोसेस हो जाए, नहीं तो ये फिर सिस्टम ही फेल हो जाता है, वो फिर इसको फिर से करना पड़ता है। सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स आर टिपिकली हार्ड, रियल सिस्टम सॉफ्ट सिस्टम में, ठीक है, सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स आर टिपिकली, और इसमें लाइनक्स एंड मेनी ओएस प्रोवाइड्स अ सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। तो ये बेसिकली मेन आपको 5 पॉइंट्स बना के डिफरेंस के तौर पे दोनों में दे दिए गए हैं, आप इनको लर्न कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू इंस्टॉल एन एंटीवायरस, इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्टॉलिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अब इसमें डिफरेंट पॉइंट्स के थ्रू आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी गई है कि क्यों ज़रूरी है ये। एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज द प्राइमरी डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट एनी ऑनलाइन और ऑफलाइन थ्रेट्स, ठीक है, ये क्या है, एक तरह का सिक्योरिटी सिस्टम है। जैसे आप वॉचमैन रख लेते हो, ठीक है, किसी बिल्डिंग के लिए, या सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं सोसाइटीज़ में, तो आप किसी भी शॉपिंग मॉल पे, तो आप समझ लो कि ये आपने गार्ड रखा है या फिर वॉचमैन रखा है, सिक्योरिटी गार्ड रखा है अपने सिस्टम के लिए। इट स्कैन्स लोकेट्स एंड रिमूव्स अनवांटेड एप्लीकेशंस सच एज ट्रोजन्स वॉर्म्स स्पाईवेयर स्पैम एंड वायरसेस फ्रॉम द कंप्यूटर। ये कुछ फेमस वायरसेस हैं, यानी कि वह जो ये वो वायरस नहीं है जो, मतलब जो हम एज अ ह्यूमन बींग हम जिनको समझते हैं जर्म्स को, ये कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के विंडोज को और उसके इंटरनल फंक्शन को करप्ट करने वाले जरासीम हैं, समझ लें कि जर्म्स हैं, वायरसेस हैं, ठीक है, यानी मशीन के वायरस हैं जो मशीन की फंक्शन को खराब करते हैं, डैमेज करते हैं, सही। इसमें से फेमस कुछ नाम ये हैं, और ये जो एंटीवायरस है इसका काम यही होता है कि अगर कहीं ऐसे या इस किस्म के कोई वायरसेस पाए जाएं तो उनको ये स्कैन करे कहाँ पर है, उनको लोकेट करे, देखे हैं कहाँ पर, किस जगह पे, तो फिर वो वार्न करता है, फिर उसको रिमूव करता है स्कैनिंग के थ्रू, जैसे भी है, तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को। दीज मलिशियस थ्रेट्स, दीज मलिशियस थ्रेट्स, ये जो हार्मफुल नुकसानदेह ये चीज़ें होती है ना, ये वायरस कैन स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, डिलीट और डिस्ट्रॉय वैल्यूएबल डाटा, और इंस्टॉल अननीडेड सॉफ्टवेयर ऑन द सिस्टम। इनसे क्या क्या होता है, यानी कि सिस्टम के फंक्शन को खराब करेंगी, विंडो बाजूकात कभी इतना
इस तरह का वायरस होता है कि ऑनलाइन जब हम चीज़ें ना इंस्टॉल कर रहे होते हैं कोई सॉफ्टवेयर या फिर गेम्स वगैरह प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है, ऑनलाइन गेम्स, तो जिनके बारे में मालूमात नहीं हो, इन्फॉर्मेशन नहीं हो, खामा में किसी चीज़ को क्लिक नहीं करना चाहिए, तो ये क्या डैमेज करते हैं, बाज़ अवकात विंडोज़ भी ख़राब हो जाती है या फिर अंदर के फंक्शंस को ख़राब करते हैं, तो फिर विंडो की फंक्शनिंग यानी उसकी परफॉर्मेंस आहिस्ता आहिस्ता मुतासर होती है, या सिस्टम हैंग करेगा या कुछ भी है, तो क्योंकि हम वर्किंग के थ्रू ही हमें पता चल जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम करते हुए काफ़ी यानी कि आप विंडो ख़राब हो जाएगी या कुछ चीज़ें या एप्लीकेशन के कुछ फंक्शन ख़राब कर देगा, इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। और बहुत हाई जो वायरसेस होते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है कि वो सेंसिटिव डाटा वगैरह उसको स्टील करने की कोशिश करते हैं, हैकर्स भी होते हैं जो डिफरेंट वेबसाइट्स पे जैसे अटैक टाइप होता है ना, उस तरह से वो भी कोशिश करते हैं। तो एंटीवायरस इसलिए ज़रूरी होता है कि इन सब चीज़ों से हिफाजत करता है हमारे सिस्टम की, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो हम नेट यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि अब तो हम अपनी मोस्टली परफॉर्म्स ऑनलाइन होके प्रोसेस कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑनलाइन नेटवर्क को कंटिन्यूटी में रखते हुए काम करना ये ट्रेंड बन चुका है, तो ऑनलाइन वर्किंग की वजह से ही ये पॉसिबल होता है वायरसेस वगैरह का। सो एन एंटीवायरस प्रोटेक्शन प्रिवेंट्स लॉस ऑफ पर्सनल एंड क्रिटिकल डाटा, इम्प्रूव सिस्टम स्पीड एंड प्रिवेंट्स आइडेंटिटी थेफ्ट। बाज़ औक़ात इससे डाटा भी उड़ जाता है, ये फिर फाइल्स ही, बाज़ औक़ात कुछ फाइल्स होती हैं जो फिर एकदम से ओपन ही नहीं होती, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो ये एंटीवायरस हो तो वो हर चीज़ को प्रोटेक्ट करता है, और खुदा नास्ता इस तरह के कोई पर्सनल डाटा है बहुत ज़रूरी है तो वो सारे का सारा उठ जाए, उसका लॉस हो जाए, कोई क्रिटिकल डाटा हो, ठीक है। इसीलिए जो सिक्योरिटी सिस्टम जो होते हैं ना अलग से, वो हाई सिक्योरिटी सिस्टम होते हैं, उसमें थोड़ी सी भी लापरवाही की गुंजाइश नहीं होती, तो उसको भी इन चीज़ों के थ्रू मैनेज किया जाता है, लेकिन वो नॉर्मल यूज़ में नहीं आते हैं। वो उनका जो सिस्टम है वो अलग है, हाई हाई डिफाइंड सिस्टम है, हाई टेक्नोलॉजी में जाता है। तो ये हम नॉर्मली यहाँ पे हम जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं ये मोस्टली जो इंडिविजुअल यूजर्स के लिए हैं बेसिक्स लेवल्स पे। सो इम्प्रूव सिस्टम स्पीड एंड प्रिवेंट्स आइडेंटिटी थेफ्ट, सिस्टम की स्पीड में असर ना हो, उसकी वर्किंग में असर ना हो, इन चीज़ों का ख्याल रखता है। एंटीवायरस एप्लीकेशन इज वाइटल फॉर अ सिस्टम टू फंक्शन एफिशेंटली, ठीक है। एंटीवायरस सिस्टम के अंदर होगा तो उससे क्या होता है कि पूरी विंडोज एक्टिव रहती है, सही से उमदगी से परफॉर्मेंस देती है, इट कम्प्लीटली स्कैन द इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम। वो जो एंटीवायरस होता है अपडेट भी होता रहता है, इसके अलावा वो टाइम इंटरवल के साथ स्कैनिंग भी करता रहता है, कोई मसला तो नहीं, अगर कोई मसला हो तो वो उसको डिटेक्ट कर देता है, ठीक है, टाइमली डिटेक्ट कर देता है और उसको रिकवर भी कर देता है। सो इट कम्प्लीटली स्कैन्स द इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम, मेल्स एंड डाउनलोडेड फाइल्स, ठीक है। अब अक्सर आप फाइल्स डाउनलोड करते हो तो कंप्यूटर के अंदर भी वायरसेस को स्कैन कर लेता है, अगर कुछ थ्रेट वगैरह हो तो वो बता देता है मैसेज के थ्रू, या नोटिफिकेशन आ जाता है सामने स्क्रीन पे ही, विंडो पे अपीयर हो जाता है कि यहाँ पे थ्रेट है, अगर आप इसको ओपन करते हो फाइल को तो इट्स रिकमेंडेड डू नॉट ओपन इट, इस तरह से। एंड्रॉयड यूज़ करते हुए भी जब हम कोई भी एप्लीकेशन, छोटा सा ऐप भी जब हम गूगल प्ले के थ्रू डाउनलोड करते हैं तो फ़ौरन पहले ओपनिंग से पहले उसकी स्कैनिंग होती है, स्कैनिंग कंप्लीट हो गई तो नो वायरस इशू, नो वायरस फाउंड, इस तरह का मैसेज आया, फिर उसके बाद ये ओपन हम इसको कर लेते हैं। तो ये एंटीवायरस प्रॉपरली हर चीज़ को स्कैन करता है, अगर हम स्पेशली जो इंटरनेट से हम डाउनलोड करते हैं ना उसको ज़रूरत होती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम इंटरनेट यूज़ से ही आती है वायरस की। सो डाउनलोडेड फाइल्स एंड डिटेक्ट्स मलिशियस प्रोग्राम्स एंड सस्पिशियस साइट्स, यानी इस तरह की बाज़ अवक़ात ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिसमें थ्रेट होता है कि यहाँ पे वायरस पॉसिबल है, हो सकता है, तो रेकमेंड किया जाता है कि आप विंडोज़ क्लोज कर दें। ये फ़ौरन इस तरह के मैसेजेस यूजर्स के लिए अपियर हो जाते हैं, ताकि यूज़र जहाँ पे ख़तरा है, मतलब जो उसके सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है, उन साइट्स पे वो जाए ना, उन चीज़ों को वो क्लिक ही ना करें, ऐसे प्रोग्राम्स को वो ऑपरेट ही ना करें। देन एक और पॉइंट है कि एंटीवायरस रिमूवल सॉफ्टवेयर,
updates virus definitions on a regular basis, thereby not allowing any new viruses go undetected. यानी कि वो अपडेट, अपडेट का मतलब ये होता है कि टाइम टू टाइम जो भी चेंजेस आ रही है ना, हम उसके साथ साथ चलें, तो अपडेट अपडेट होता रहता है ताकि उसके अंदर अप टू डेट फंक्शन उसके अंदर मौजूद हो सिक्योरिटी के हवाले से. कोई क्योंकि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, जैसे डेवलपमेंट्स होती है ना हम प्लस चीज़ों में, पॉजिटिव चीज़ों में, ठीक है, फंक्शन में, इस तरह से जो तो एंटी चीज़ें होती हैं, एंटी पावर्स, उसमें भी वो भी सोचते हैं अच्छा इसका भी हल हो गया, अब हम करप्ट करने के लिए क्या करें, अब हम करप्ट करने के लिए क्या करें, अच्छा ये कर लेंगे, अच्छा ये करें. तो इस तरीके से अपडेशन जो है ना वो रिक्वायर्ड होती है, ज़रूरी होती है. एंटीवायरस अपडेट करता है रेगुलर बेसिस के ऊपर ताकि कोई भी नया वायरस है, कोई भी नई प्रॉब्लम भी है तो उसको भी डिटेक्ट किया जा सके. ये ना हो कि वो फंक्शन ही नहीं, अगर उसमें होगा अपडेशन नहीं है तो वह उससे ऊपर के फंक्शन का कोई वायरस हो वो आ जाए तो वो एंटीवायरस डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए अपडेट भी करता रहता है. इसको बहुत छोटी सी मिसाल से आप समझ सकते हो. आपने टेलीविजन में एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, ठीक है, एड्स होते हैं उसके सेफगार्ड साबुन के सोप पे, तो उसकी बच्चों के लिए छोटी छोटी वीडियोस भी उन्होंने बनाई हुई हैं. तो वो आपने सेफगार्ड की कार्टून एड्स 5 to 7 minutes की वो आपने देखी होंगी कि डर्ट ऊज होते हैं, जैसे जर्म्स होते हैं, वो फिर नया जर्म क्रिएट करते हैं, उसका ये नाम रखते हैं, उनका एक कैप्टन होता है, वो उन्हें भेजता है, फिर सेफगार्ड में ये है, ये आ गया, इसके खिलाफ इसमें ये फीचर है, अब इस पावर से वो उसको डिस्ट्रॉय करता. तो समझ लें यही बात है कि वायरस अपडेशन के साथ हर नए आने वाले जो एंटीवायरस होते हैं ना प्रोग्राम, वो हर नए आने वाले वायरसेस को कंट्रोल करते हैं, उनसे फाइट करते हैं अपडेशन के थ्रू. क्वेश्चन नंबर सी है हमारे, क्वेश्चन आंसर तो हो गए ए बी, और एक्सरसाइज सी है हमारी, मैच द कॉलम्स. अब इसमें आपने कॉलम्स को मैच करना है इस तरीके से जैसे आपने पहले भी किया चैप्टर वन में, कि आपने एरोज के साथ या स्केलिंग पेंसिल लाइंस के साथ इनको मैच नहीं करना, बल्कि कॉलम्स ही प्रोवाइड है, वहाँ पे आप नंबर लिखते जाए आंसर के हिसाब से. जैसे फर्स्ट है उसको मैच किसके साथ करना है वो ऑप्शन लिखें, वो दोनों ऑप्शन आप फर्स्ट ब्लॉक में लिखते हैं, ठीक है. सो फर्स्ट है सी एल आई, तो सी एल आई को आप मैच करेंगे ऑप्शन एफ के साथ, ठीक है. ऑप्शन एफ है इंटरफेस, ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस, इसको आप फर्स्ट ब्लॉक में लिखेंगे कॉलम सी में. कॉलम सी में फर्स्ट ब्लॉक में आप लिखोगे 1 और F, इस तरीके से आपने कॉलम मैच करना. नेक्स्ट नंबर टू के ऊपर है विंडोज, अब नंबर टू को आप विंडोज को ऑप्शन डी के साथ मैच करो. ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो 2 और D सेकेंड ब्लॉक में लिख दो आप कॉलम सी के सेकेंड ब्लॉक में. नंबर थ्री पे देखिए प्रोसेस, अब इस प्रोसेस को आपने ऑप्शन ई के साथ मिलाना है. अ जॉब टू बी परफॉर्म्ड बाय द सिस्टम, ठीक है. अब आपने 3 और E थर्ड ब्लॉक में लिख देना कॉलम सी के. नेक्स्ट है नंबर 4 MS Excel, MS Excel को आपने मैच करना है ऑप्शन बी के साथ, क्या है ऑफिस ऑटोमेशन में आता है, तो MS Excel 4 है, 4 के साथ आप B लिखें फोर्थ ब्लॉक में, ठीक है, कॉलम C के फोर्थ ब्लॉक में ये आप आंसर लिखें. फिर नेक्स्ट है नंबर 5 रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको ऑप्शन A से मिलाइए, टाइम बाउंड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें टाइम बिल्कुल बाउंड होता है, ठीक है, टाइम को बिल्कुल हमें फॉलो करना होता है, टाइम स्केड्यूल को एग्जैक्टली. तो आप 5 के साथ ये ऑप्शन लिख दो फिफ्थ ब्लॉक में ऑफ कॉलम सी, कॉलम सी के फिफ्थ ब्लॉक में 5A आंसर. फिर कॉलम सी के 6 ब्लॉक में आंसर होगा 6C, यानी 6 क्या है, स्टेटमेंट इनपुट या आउटपुट मैनेजमेंट, क्या चीज़ है, ऑप्शन सी देखिए फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. तो आप 6C लास्ट ब्लॉक में कॉलम सी के लिख दो. अब राइट साइड पे आंसर्स भी लिखे हुए हैं, आप यहाँ से टैली भी कर सकते हो, 1 F 2 D 3 E 4 B 5 A 6 C. नेक्स्ट आपकी एक्टिविटीज है, मतलब प्रैक्टिकल वर्क, ठीक है, इसको आपने खुद करना है. टीचर शुड
डेमॉन्स्ट्रेट इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑफ, आपके जो लैब टीचर हैं वो आपको करके दिखाएं, ठीक है? आप अकेडमी में जा रहे हो, स्कूल में जा रहे हो, घर पे हो तो आप किसी बड़े से बोलो या किसी दोस्त से, ठीक है? तो आपने क्या देखना है, इसके अलावा आप ये स्टेप्स, आप कोई भी ऑप्शन नहीं है तो एटलीस्ट आप ऑनलाइन देख सकते हो, ऑनलाइन के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, आप लोग वहाँ से देख सकते हो कि ये स्टेप्स किस तरह हैं। क्या क्या देखना है आपने, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम फिजिबल वर्जन, फिजिबल वर्जन यानी कि कोई आसान जो नॉर्मल कंप्यूटर के ऊपर चलता है, ठीक है? नॉर्मल कोई एक विंडोज है उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये प्रोसेस आप खुद प्रैक्टिकली देखेंगे ना, ऑब्जर्व करते हुए, तो आप ज़्यादा सीखेंगे, नहीं तो एटलीस्ट आप ऑनलाइन ज़रूर देखें। फिर नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फिजिबल वर्जन, यानी कोई भी रेंज में हो सिंपल जो कंप्यूटर के अंदर चल रहा हो, वो आप वर्जन सीडी लेके, या आपका टीचर जो स्कूल में है, लैब में है, अकेडमी में है, वो आप करके दिखाएं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है एनी फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो पर्सनली भी हम इन सॉफ्टवेयर की सीडीज बाय करके वेंडर से, तो खुद भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। हमने इसको इंसर्ट करना है सीडी रोम में और इसको इंस्ट्रक्शन खुद बखुद ऑटोमेटिक विंडोज पे, यानी विंडो हम जो स्क्रीन देख रहे होते हैं मॉनिटर, उसके ऊपर अपीयर होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन आएंगी, इंग्लिश लैंग्वेज में होती हैं सिंपल, तो उनको देख के अपने पढ़ के वैसे वैसे करते जाना, तो हमारी इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हो जाती है। इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं, आप खुद भी करके देख सकते हैं। नंबर टू है स्टूडेंट्स शुड बी गिवन टास्क टू मेक यूज ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, यानी स्टूडेंट्स को ये एक असाइनमेंट बनानी है, उस पर लिखना है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। आपने पढ़ा भी, इसके अलावा आपने चैप्टर को आप फिर से देखिए, पढ़िए, इसके अलावा एक्स्ट्रा स्टडी करें, थोड़ा सर्च करें गूगल पे, इसके बाद आप एक जर्नल असाइनमेंट बनाएं और अपने माइंड से भी कुछ इसमें क्रिएट करें जो आपके माइंड में आता है, सोच में आता है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? और इसके साथ सिर्फ आपने असाइनमेंट नहीं बनानी, साथ में आपने इसको यूज़ भी करना है, ठीक है? एंटीवायरस अगर आपके पास कंप्यूटर है उसमें आप एंटीवायरस को सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें, देखें कैसे वर्किंग कर रहा है, इसकी अपडेट्स कैसे हैं, कैसे मैसेज अलर्ट करता है, स्कैनिंग कैसे करते हैं, इन चीज़ों को देखिए आप। नंबर थ्री के ऊपर है स्टूडेंट शुड ऑब्जर्व एंड वर्क विद डिफरेंट क्या आइकन्स ऑन विंडोज़ डेस्कटॉप। विंडोज़ डेस्क टॉप के ऊपर मुख्तलिफ आइकन्स होते हैं, ठीक है? बहुत सारे आइकन्स हैं, माई फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, माई कंप्यूटर होता है, डिफरेंट जितने भी आप वो आइकन्स इमेजेस देख रहे होते हैं ना पिक्चर के, छोटा छोटा साथ में लिखा होता है, वो सब आइकन्स हैं, ठीक है? उनको आपने देखना है, उनको खोल के देखना है। फिर स्टार्ट मेन्यू ओपन करें, डिफरेंट चीज़ें हैं उसमें, पढ़िए उनको, समझिए, फिर प्रोग्राम्स हैं उनको खोलिए, उनको क्लिक करके देखिए क्या है, किस तरह है। फिर सोचिए कि आपने कुछ ढूंढना हो तो नीचे सर्च लिखा होता है ना, सर्च, और वो मैग्नीफाइंग ग्लास वहाँ पे लगा होता है, आप वहाँ पे लिखोगे वर्ड्स तो सर्चिंग के साथ भी वो आपके सामने आ जाएगा। जैसे अगर आप पिक्चर्स लिखना चाह रहे हो तो वो विंडो फौरन से अपीयर हो जाएगी, वरना ऑल प्रोग्राम में ऑप्शन होती हैं, तो आप वहाँ से फाइंड आउट करके कोई भी लोकेशन आप ओपन करो, देखो कि स्टार्ट मेन्यू को कैसे यूज़ करते हैं। फिर यूटिलिटी प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं बहुत सारे, उनको कैसे देखते हैं, ये सब आप प्रैक्टिकली करके देखें। इतना करें, पहले इसको ऑब्जर्व करें, पहले टीचर आपको बताएं, फिर आप खुद काम करें डिफरेंट वेज में इसके ऊपर। फिर नंबर फोर है स्टूडेंट शुड ऑल्सो प्रैक्टिस क्रिएटिंग कॉपिंग मूविंग एंड डिलीटिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। अब आपने क्या करने का है, सिंपली आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसके ऊपर कोई भी फाइल आप उसको ओपन करोगे या क्रिएट करोगे, ठीक है? फिर उसको आप उसके उसी फाइल के ऊपर डिफरेंट चीज़ें करके देखो। जैसे उस पहले उसको बनाओ एक फाइल को, एक डॉक्यूमेंट टाइप करके बनाओ, फिर उसकी कॉपी कैसे करते हैं, ठीक है? एक एक फाइल की कॉपी कैसे करते हैं, नॉर्मल हम राइट क्लिक करते हैं ना किसी भी फाइल पे, पहले हम उसको सेव करेंगे, सेव करते हुए फिर उसका नाम हम चूज़ करेंगे। सपोज आपने सिलेबस बनाया है तो आप सिलेबस लिख दोगे, ठीक है? या कोई भी है 1 to 5 फाइल का नाम रख दोगे, कोड रख दोगे।
फिर नाम सेव करके बाद आपने ऑप्शन आती है सेव एज के ऊपर, आप लोकेशन भी अपनी मर्जी की रख सकते हो कि आपने डॉक्यूमेंट्स में रखना है, माई कंप्यूटर में या सीडी कहाँ कहाँ पे रखना है। फिर आपने वहाँ पे सेव एज कर दिया, फिर आपने उसी फाइल को ओपन करके आप उसको एडिट कर सकते हो। दोबारा से सेव करोगे, जब आप दोबारा से सेव करोगे तो फिर वो फिर से सेव हो जाए, मतलब जो एडिट किया आपने ना, जो एडिशन किया, जो चेंज किया, फिर आप लाजमी उसको सेव का बटन प्रेस करो, फिर वो एक्शन उसमें सेव होगा, वरना नहीं होगा। फिर उसके बाद आप जहाँ पे लोकेट है फाइल ना, वहाँ पे आप ओपन कीजिए, जैसे कि माई डॉक्यूमेंट्स में है, वहाँ पे जाके आप ओपन करें, राइट क्लिक करें, वहाँ पे मूव की ऑप्शन भी आती है, कॉपी की भी आती है, कॉपी करेंगे फिर दोबारा राइट क्लिक करके फिर उसमें पेस्ट की ऑप्शन आती है, पेस्ट करेंगे तो फिर वो फोटो कॉपी हो जाएगी उसी फाइल की, सेम फाइल कॉपी हो जाएगी। आपके पास एक तरह की दो फाइल्स हैं, ऐसे कितने भी कॉपीज आप कर सकते हो। फिर सेकंड कॉपी के ऊपर आप कोई दूसरा नाम रख सकते हो, रीनेम की ऑप्शन से राइट क्लिक करें, रीनेम की ऑप्शन आएगी विंडो जो अपीयर होगी, तो आप उसका नाम चेंज कर सकते हो दोबारा से टाइप करके, ठीक है। फिर उसको मूव कैसे करते हैं, जैसे एक कोई फोल्डर है, कोई नया फोल्डर आपने बनाया है माई डॉक्यूमेंट में माई फाइल्स के नाम से, तो आपकी जो फाइल है वो सेव है डेस्कटॉप पे। सपोज आपने सेव करते हुए डेस्कटॉप की ऑप्शन रखी लोकेशन में, तो डेस्कटॉप से आप राइट क्लिक करो, वहाँ पे ऑप्शन आएगी, वहाँ पे मूव की ऑप्शन आएगी, मूव से आप उसको जब मूव क्लिक करोगे तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगी बहुत सारी, उसमें से आप फिर वो फोल्डर अपना सेलेक्ट करोगे, जहाँ पे भी फोल्डर है माई डॉक्यूमेंट, माई डॉक्यूमेंट में वो फोल्डर्स डिफरेंट अपीयर हो जाएंगे, माई फाइल की फोल्डर को आप क्लिक करो तो वो ओपन हो जाएगा वहाँ पे, ये आपकी फाइल मूव हो जाएगी। फिर डिलीट कैसे करते हैं, ठीक है, एक फाइल को राइट क्लिक करो, डिलीट की ऑप्शन आएगी, डिलीट कर दो तो वो डस्टबिन में चली जाती है, जो कंप्यूटर की डस्टबिन होती है ना, उसका आइकन भी डेस्कटॉप पे होता है। अगर आप वहाँ से दोबारा जाके ना फिर डस्टबिन ओपन करके वहाँ पे डिलीट करेंगे तो परमानेंटली कंप्यूटर से आउट हो जाएगी, वरना एक दफ़ा आप डिलीट करते हो तो वो डस्टबिन में रहती है, डस्टबिन में मौजूद रहती है। फिर आपने डिलीट करके देखना है, फिर आपने डिफरेंट फाइल्स बनानी है, फाइल्स कैसे मैनेज करते हैं, फिर फोल्डर्स, न्यू फोल्डर राइट क्लिक करते हैं तो न्यू की ऑप्शन आती है, न्यू में फोल्डर की ऑप्शन भी आती है, फोल्डर मैनेज करें उसका नाम रखें अपनी मर्जी का, तो एक फोल्डर बन गया। अब आपने फोल्डर माई पिक्चर्स में बनाया है या माई डॉक्यूमेंट्स में बनाया या कहाँ पर बनाया, तो ये सब आप डिफरेंट चीज़ें टीचर पहले आपको बताएं, करके बताएं, फिर आप खुद इन चीज़ों को करें, ताकि ये सारी चीज़ें आपको आ जाएं, बेसिक चीज़ें, और ये ज़रूर आनी चाहिए इस लेवल के स्टूडेंट को, तो आज के दौर में आनी चाहिए। सो नेक्स्ट एक्टिविटी है नंबर 5, टीचर शुड ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट द टास्क मैनेजर फॉर एक्सप्लेनिंग टास्क मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, टास्क मैनेजर को भी एक्सप्लेन करना है टीचर, इसकी इसको बताया कि ये क्या है, किस तरह है, क्यों होता है, और फिर वो भी करके देखें प्रैक्टिकल में। फिर टीचर शुड ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट दी बायो स्क्रीन, ठीक है, ये सारी चीज़ों को वो ऑपरेट करें। वैसे टास्क मैनेजर में होता क्या है कि टास्क मैनेजर लेट्स यू व्यू द प्रोग्राम्स, प्रोसेसेस एंड सर्विसेज करंटली रनिंग ऑन द पीसी, इसका भी जिक्र चैप्टर में आपने पढ़ा था, पहले बताया गया आपको, और टास्क मैनेजर की एक पिक्चर भी आपने देखी, फिगर भी देखी, ठीक है। तो इसको आप ओपन करोगे तो आप देख सकते हो कि एट अ टाइम कंप्यूटर में कितनी एप्लीकेशंस रनिंग में हैं, कौन कौन सा काम हो रहा है, ये सब आप उसमें देख सकते हो, क्या प्रोसेसेस चल रहे हैं। यू कैन यूज टास्क मैनेजर टू मॉनिटर योर कंप्यूटर्स परफॉर्मेंस एंड टू क्लोज अ प्रोग्राम दैट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, व्यू नेटवर्क स्टेटस एंड सी विच यूजर्स आर कनेक्टेड टू द पीसी, यानी ये सब कुछ आप सा करंटली क्या क्या हो रहा है कंप्यूटर के ऊपर, कौन सा काम हो रहा है, कौन सा नेटवर्क चल रहा है, कितने यूज़र उसको यूज़ कर रहे हैं, कितनी एप्लीकेशन चल रही है, कुछ डाउनलोड तो नहीं हो रहा, स्पीड कितनी चल रही है, परफॉर्मेंस कैसे जा रही है, सब कुछ आप मॉनिटर को, पूरे अपने सिस्टम को मॉनिटर कर सकते हो इसके थ्रू, टास्क मैनेजर के थ्रू। फिर नेक्स्ट आपका है कि बायोस स्क्रीन क्या होती है, ठीक है, दी बायोस मेन स्क्रीन्स होती है जो कि प्रोवाइड करती है जनरल प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग बायोस टाइप, प्रोसेसर टाइप, मेमोरी टाइप, टाइम, डेटा वगैरह, ये सब इन चीज़ों को। अब ये कि बायो स्क्रीन को बताना है आपने कि वहाँ पे हम उसको एंटर कैसे कर सकते हैं, उसमें उसको देख कैसे सकते हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने
कंप्यूटर को स्टार्ट करना है, देन प्रेस अ की ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड पे आपने एक की को प्रेस करना है, ठीक है, बिफोर द बायोस हैंड्स ओवर कंट्रोल टू विंडोज। इससे पहले कि हम विंडोज स्टार्ट हो जाए, इससे पहले आपने फौरन इस की को प्रेस करना है। यू हैव ओनली अ फ्यू सेकेंड्स टू परफॉर्म दिस सेटअप। आपने इस सेटअप को फौरन से परफॉर्म करना है, प्रेस कर देना की को ऑन दिस पीसी। यू विल प्रेस F2 टू एंटर द बायोस सेटअप मेन्यू, ठीक है। F2 को आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने फिर स्क्रीन ओपन हो जाएगी बायोस की, ठीक है। अब ये होता है कि आपने बूट सिस्टम में, यू विल नीड टू प्रेस अ की ड्यूरिंग द बूट सिस्टम प्रोसेस, ठीक है। ये जो की है डिस्प्ले की जाती है बूट सिस्टम में विद अ मैसेज। मैसेज ये आता है कि प्रेस F2 टू एक्सेस बायोस, ठीक है। आपने इसको प्रेस करना है, सेटअप करते हुए इसको प्रेस कर लिया, और फिर कॉमन कीज यू मे नीड टू प्रेस इंक्लूड डिलीट F1 F2। ये फंक्शन कीज होती है ना जो सारी, इसमें से F2। तो फिर उसके बाद आप जब इसको ओपन करोगे देखोगे तो टीचर मजीद आपको एक्सप्लेन कर देंगे डिस्प्ले के थ्रू के इसमें क्या क्या है, क्या हो रहा है, कौन सी इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करी है सिस्टम के हवाले से। नेक्स्ट स्टूडेंट, समरी है इस चैप्टर की। तो ये आपने हर चैप्टर की समरी ज़रूर पढ़नी है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके थ्रू मेन पॉइंट्स रिमाइंड हो जाते हैं, और इससे ये समझ लें कि ये आपके MCQs या ब्लैंक्स वो भी प्रिपेयर हो जाती है इनके थ्रू, और की पॉइंट्स आपके माइंड में बैठते हैं तो पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म्स ऑल द बेसिक टास्क। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यानी कि इसकी डेफिनेशन है वो आपकी की पॉइंट पे होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। लाइक बूटिंग द कंप्यूटर, कंप्यूटर को बूट करना, फाइल मैनेज करना, मेमोरी मैनेजमेंट वगैरह, प्रोसेस मैनेजमेंट है इसमें, कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस, सारी डिवाइसेस इनपुट आउटपुट वगैरह आ गई, हार्ड डिस्क प्रिंटर वगैरह सब कुछ, इन सब चीज़ों को ऑपरेट कर रहा है। तो इसकी डेफिनेशन बार बार, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, बिल्कुल आप कन्फ्यूज नहीं हो एक भी वर्ड और एक भी फंक्शन के बारे में, ताकि ब्लैंक आए, कॉलम में आ जाए, मैच द कॉलम में आए, MCQs में आए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आए, डेफिनेशन में आए, आप एग्जैक्टली इसको बता सको। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट फंक्शन है, जिस तरह से बूटिंग है, फिर रिसोर्स मैनेजमेंट है, यूज़र इंटरफेस है, कमांड इंटरप्रिटर है, मेमोरी मैनेजमेंट है, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट है, फाइल मैनेजमेंट है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, यूज़र मैनेजमेंट है, ये सब इसके फंक्शन है, ठीक है, मेन फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम के। फिर आगे है कि इंटरफेस क्या है। एन इंटरफेस इज अ प्रोग्राम दैट अलाउज अ यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर ऑफ अनदर कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क लाइक कमांड लाइन इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इनके थ्रू, इस इंटरफेस के थ्रू हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैव बीन इवॉल्व एज सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर, और बैच प्रोसेसिंग, और या फिर टाइम शेयरिंग ओएस, रियल टाइम प्रोसेसिंग ओएस वगैरह, ठीक है। अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज ओनली वन यूजर टू ऑपरेट अ कंप्यूटर एट अ टाइम, जबकि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मल्टी यूजर्स को एक्सेस देता है एट अ टाइम टू यूज द कंप्यूटर, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी आपने इनको अच्छे तरीके से पढ़ा समझा। इन फैक्ट द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ विंडोज, लिनक्स वगैरह। In batch processing operating system, each user prepares his job and submit it to the computer operator. Time sharing is a method that allows multiple users to share resources simultaneously. एक ही वक्त में बहुत सारे resources को, बहुत सारे user एक ही वक्त में resources को use करें operating system के, ठीक है, टाइम शेयरिंग है इसमें। फिर रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जिसमें टाइम बाउंड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि टाइम लिमिट फिक्स होती है जिसमें। और हार्ड रियल सिस्टम गारंटीज दैट क्रिटिकल टास्क, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टास्क वगैरह वो हार्ड रियल सिस्टम के थ्रू परफॉर्म होती हैं, जैसे मिसाइल सिस्टम वगैरह है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है, इसकी बेहतरीन मिसालें हैं हार्ड रियल सिस्टम की। फिर सॉफ्ट रियल सिस्टम में इतना ज़्यादा टाइम की स्ट्रिक्टनेस की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा बिल्कुल फिक्स स्केड्यूल में इसको अप्लाई नहीं किया जाता, फॉलो नहीं किया जाता, यानी कि जहाँ पे गुंजाइश होती है कुछ
डिले की, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस सिस्टम्स, एयरलाइन टिकट्स, रिजर्वेशंस वगैरह, ये सब इसकी मिसालें हैं सॉफ्ट रियल सिस्टम की। फिर सॉफ्ट रियल इंस्टॉलेशन मीन्स टू पुट समथिंग इन अ न्यू प्लेस रेडी टू बी यूज्ड। ऑफिस ऑटोमेशन हमने पढ़ी, इसमें बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्राम है, ग्रुप है उसका, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि एम एस ऑफिस 2010, इसमें एम एस वर्ड है, एम एस एक्सेल है, एम एस पावर पॉइंट है, एम एस आउटलुक है, ये सब हैं। फिर एम एस ऑफिस 2013, द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आर 1.6 गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर इसका होना चाहिए, 1 GB रैम इसकी होनी चाहिए, एटलीस्ट 3 GB इसकी हार्ड डिस्क होनी चाहिए, मिनिमम विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ग्राफ और विद ग्राफिक्स ड्राइवर, ये कम से कम रिक्वायरमेंट है किसके लिए, ऑफिस 2013। अगर आपने 2013 का ऑफिस चलाना है, उसको इंस्टॉल कराना कंप्यूटर में, तो फिर प्रोसेसर वगैरह की स्पीड वगैरह ये होगी, ये कॉन्फ़िगरेशन होगी, स्पेसिफिकेशन होगी, तब पॉसिबल है, वरना 13 ही फिर आप इससे पुराने वाला वर्जन आप इंस्टॉल करोगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।